जैसा कि हम लोग जान रहे थे मनीष मैथ्स का हम लोग क्लास पढ़ रहे थे, और मनीष मैथ्स वाले में हम लोग कहाँ पढ़ चुके थे, जो हमारा चैनल का नाम है, चैनल आप लोग को मालूम है मनीष मैथ्स, ठीक। इस चैनल पे हम लोग पढ़ रहे हैं इस समय प्रेजेंट टाइम में, और हम लोग मनीष मैथ्स पे इस समय हम लोग क्या लगा रहे हैं, सीजीएल 2023 सीरीज चल रही है, ठीक है। और हमारा अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सा टॉपिक चल रहा है, आज हम लोग को पढ़ना है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। इस कॉन्सेप्ट को आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, डिस्काउंट। और जैसा आप लोग से अनुरोध है कि हम लोग का जो परिवार है वो 1000 का कंप्लीट हो चुका है, हम लोग 1000 फैमिली हो चुके हैं, और थोड़ा सा लेट हो रहा है, डिले हो रहा है सेटिंग में, और थोड़े से पर्सनल प्रॉब्लम के वजह से हम आ नहीं पा रहे हैं डेली, लेकिन प्रयास है कि हम 1 तारीख से ये एक संकल्प लेंगे कि डेली आए हम लोग, ठीक है, डेली ऑनलाइन आने का प्रयास करें, और इस चीज़ को समझते हैं कि कैसे हम लोग को करना है चीज़ों को, ठीक है। डेली हम लोग प्रयास करेंगे कि आएँ, और ये फैमिली हम लोग की जो 1000 की है, इसको हम लोग को इसी तरह बढ़ाते रहना है, आगे चलते रहना है, ठीक है। तो ये चीज़ आप देख लीजिएगा पूरा, आज प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सारे जितने सवाल 2000 SSC CGL के प्री में आया हुआ है वो सारा आज हम लोग सॉल्व करेंगे, भले कितना टाइम लगे, ठीक है। और आप लोग से अनुरोध है जितना हो सकता है शेयर करिए, ठीक, जितना ज़्यादा हो सकता है सब्सक्राइब करिए, और अपने छोटे भाइयों बहनों सबको मदद करने के लिए ये चैनल चलाइए। कुछ दिन बाद हम लोग शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे रील्स का, ठीक है, रील्स के फॉर्म में शॉर्ट ट्रिक निकालेंगे कैसे कैसे हर सवाल को डील करना है, ठीक है। तो चलिए अब यहाँ से देखते हैं पहली चीज़, ठीक है, आज हमको पढ़ना है प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। तो प्रॉफिट लॉस अगर हम लोग को पढ़ना है तो ये स्थिति समझिएगा, प्रॉफिट होगा तो बढ़ेगा, लॉस होगा तो इंसान थोड़ा सा परेशान होगा, ठीक है, इस कॉन्सेप्ट पे है। अगला हम लोग स्लाइड स्टार्ट करते हैं, यहाँ से पहला जो स्लाइड है वो हमारा ये है, ठीक। चलिए कह रहा है, ध्यान से समझिएगा सवाल को, कह रहा है सरसों के तेल का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 25% अधिक है, तो ये बताओ 100 रुपया है, 100 रुपये से कितना अधिक है, 125 अधिक है, अधिक है। तो कह रहा है यदि इसे बिना किसी लाभ या हानि पर बेचा जाना है तो इसे अंकित मूल्य से कितना प्रतिशत कम पर बेचना चाहिए। तो ये अंकित मूल्य हो गया ना, इससे कितना कम में बेचोगे, 25, और किस पे बेचोगे, 125 × 100। अगर हम लोग इसको काटेंगे, कई बार में कटेगा, 5 से काट दिया, कै परसेंट हमारा कितना परसेंट आएगा, 20%। चीज़ें क्लियर है, एकदम आराम से एक एक चीज़ पढ़ेंगे, ठीक है। अगला चीज़ देखते हैं, ये सवाल देखिएगा, कह रहा है सवाल को एक एक चीज़ हम माइंड करेंगे। सवाल कह रहा है कि किस योजना में अधिकतम छूट मिलेगा, तो योजनाएं हमारे पास कितनी हैं। एक दुकानदार 2 छूट संबंधी योजनाएं पेश करता है, पहला छूट पेश करता है 3 वस्तुओं की खरीद पर, पहला है, 4 वस्तु मुफ्त मिलता है, पढ़ाए थे क्लास में, 3 वस्तुएं मुफ्त मिलता है, कितने पे, 4×3 = 100। दूसरा कंडीशन है, अगला 5 वस्तुओं की खरीद पर, 5 वस्तुओं की खरीद पर कितना मुफ्त मिलता है, 6, तो 6 मुफ्त मिला तो 6/ क्या करेंगे, तो यहाँ 4 करेंगे ना, सॉरी ये कर देखिएगा, यहाँ कितना करेंगे, जितना छूट मिला उसको ही ऊपर रखना है, यहाँ क्या रखेंगे, 4। 3 वस्तु की खरीद पर 4 मुफ्त मिलता है, और यहाँ 6 वस्तुएं मुफ्त पाया, तो किस योजना में, 100, तो हमको क्या कर देना है, ये कितना हो जाएगा आपका, 400/7, और ये हो जाएगा आपका दूसरा वाला योजना 600/11। 7 से काट लेंगे, 7×5 = 35 होगा, बचा कितना, 50, 7×7 = 49, यही आएगा ना। यहाँ अगर 11 से काटेंगे, 11×5 = 55, 50 = 4, तो 54 हो रहा है और 57, तो सर्वाधिक छूट कहाँ मिल रहा है हमको, 4 वाले पे, यानी 4 वस्तु वाले पे मुफ्त मिल रहा है, यानी पहला वाला इसका क्या होगा आंसर, पहला वाला आंसर है। चले आराम से देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखिएगा आराम से, एक एक क्वेश्चन आराम से देखिएगा, ठीक है, ये बहुत आराम से कैलकुलेटर एक आदमी निकाल लीजिएगा,
इसको कैलकुलेटर से करना ज्यादा सुटेबल पड़ेगा। कह रहा है कि एक किलो की जगह 940 ग्राम तोलता है। चलो तुमको देना था कितना, 1000, दिया कितना 940, दिया एक्चुअल में कितना 940, तो डंडी कितने का मारा 60 का, लेकिन तुमको दिया कितना 940 गुड़े 100, ये हो जाएगा। तो सिंगल जीरो से सिंगल जीरो तीन से काट देंगे और ये कितना आ जाएगा 47, तो 300/47, बोलिए कोई दिक्कत नहीं ना। अब यहां क्या कह रहा है कि वह इसे 4% लाभ पर भी बेचता है। तो देखो यहां से भी लाभ कमाया और 4% लाभ पर भी बेच रहा है, तो हम क्या लिखेंगे 100 गुड़े, ये कितना हो जाएगा, यहां लाभ है ना ये, तो इसको 100 में जोड़ दीजिएगा, 100 में जोड़ेंगे तो ये कितना आ जाएगा 4700 + 300 कितना 5000/4700, बोलो कोई दिक्कत, 100 में जोड़ दिया है इसको। फिर ये लाभ हुआ है, लाभ जब भी होगा तो 100 में जोड़ देना है, बट्टा कितना 100, 100 से 100 कैंसिल, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल हो जाएगा। इसका गुणा करके इसको डिवाइड करने की कोशिश करते हैं तो ये आ जाएगा जीरो और ये कितना आ जाएगा जीरो, जीरो उसका 20 कैरी 2 और ये कितना है? जीरो है ये, ठीक है ये जीरो है, ठीक जीरो जीरो और ये जीरो जीरो हो गया ना, एक जीरो और पांच ओके, 20 का जीरो कैरी 2 और ये 2 आ जाएगा, 5 एक कम 5 और इसको किससे भाग दे दें 4700 से, तो 47 एक कम 47 कितना बचा आप मेरे पास यहाँ 5 और 5 ही बच रहा है ना, 5 और 0 यही बच रहा है, तो आंसर कितना आ रहा है 110.6 लगभग में आएगा, तो आंसर किसको दे देंगे 3 वाले, चला जाए ठीक। सीधे आपको देख लेना था 500 अधिक है 4700 से, ठीक है ऐसे भी कर सकते थे कि 4700 से कितना अधिक है हम देख ले, 4700 से 500 अधिक अगर देखते तो ठीक है, तो ये 5 कितना अधिक है 500 अधिक है और 500 को किससे काटते 47 से, तो 47 से कम 47 3 0 0 उतर जाता पॉइंट लग जाता, यहाँ 0 बढ़ाते 6 बार में जाता ठीक है, तो 10.6 कैलकुलेशन का अपना अपना अप्रोच है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इस पे भी एकदम आराम से ठीक, कितने का लाभ हुआ देखो, 1000 तोलना था, तोला कितना 950, कितने की डंडी मारा दिया इतने की, तो डंडी कितने का मारा 50 का, किस पे मारा 950 पे गुड़े 100, जीरो से जीरो कट गया, 5 से काट देंगे 10 बार में, 5 से काट देंगे 19 बार में कटेगा, तो ये कितना आ गया 100/19, काट के देखो कितना आ रहा है, तो काटेंगे 19 से कम 19 से कम 19 होगा कि नहीं होगा, तो 19 से कम 19 × 5 = 95 95 आ जाएगा, कैरी कितना एक कम नहीं जा पाएगा 5 और 0, फिर कितना जाएगा 19 × 38, तो देखो 5.2 है किसी में है। चले इसी तरह अगला क्वेश्चन धीरे धीरे हम लोग बढ़ेंगे, घबराइएगा मत। अब देखिए एक व्यापारी क्या कह रहा है, एक व्यापारी 20% व्यापार छूट और 30% नगद छूट देता है और सूची मूल्य 1200 रुपया है। तो देखिए जब भी छूट मिलेगा तो 100 से घटा दीजिएगा, 1200 है पहला छूट 20% का, पहला छूट कितने परसेंट का 20% का, तो 20% की छूट दे देगा तो 80/100, फिर अगली छूट कितने की है 70/100, जल्दी जल्दी करिए, डबल जीरो से डबल जीरो, डबल जीरो से डबल जीरो काट देंगे, 12×8 = 96 × 7 करेंगे, 7×6 = 42 कैरी 2 कैरी 4, 9×7 = 63 × 4 = 672 ऑप्शन है कहीं, हाँ ऑप्शन है डी, चेक करते रहिएगा ऑफिशियल आंसर की में भी ठीक है, उसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, कह रहा है तीन क्रमिक छूट पर, किस पे कह रहा है तीन क्रमिक छूट, तो 100 मानेंगे, पहला कितना 85/100 गुणे दूसरा 80/100 तीसरा 75/100, ध्यान से देखिएगा 100 से 100 कैंसिल, इसको काटेंगे 4/5 सही है ना, इसको काटेंगे 3/4, 4 से 4, 5 से काट दिए 17 × 3 = 51, अगर मैंने 100 रुपए की चीज के लिए 51 रुपए का पेमेंट किया तो क्या रुपया मेरा छूटा, क्या रुपया छूटा, तो हम क्या रुपया बोलेंगे 49 रुपया,
100 में से अगर मैंने 51 का पेमेंट किया तो 51 हमने पेमेंट कर दिया तो छोड़ा क्या रुपया गया मेरे लिए 49। अगला देखिए, ठीक इसी तरह हम लोग करते चलेंगे। ये देखिएगा ध्यान से, एकदम बेहतरीन लाभ हानि का एक एक सवाल। कह रहा है एक वस्तु का विक्रय मूल्य में 324 रुपए की वृद्धि हो जाती है कब, जब एक दुकानदार 16% हानि के स्थान पर 20% लाभ होता है। चलो जब भी हम बोले हैं क्रय मूल्य तुम्हारा 100 होगा, 16% हानि पर अगर वो शुरू में बेच रहा होगा तो कितना रुपया हो जाएगा, 16% हानि यानी 84, और अगर अब 20% लाभ होने लगता है तो 120। तो मोर भैया ये बताओ कितने का छूट, कितना रुपया बढ़ गया, 36 रुपया ना, और 36 बराबर कितना आ जाएगा 324। तो ये इसका देखो कै गुना 9 गुना, 6 चौके 9 गुना हो रहा है ना, देख लीजिए 9 हो रहा है कि नहीं हो रहा है, 9 × 3 = 27 करीब 5, 9 गुना हो जाएगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हमेशा क्या होता है 100, तो 100 का 9 गुना कितना हो जाएगा मेरे भैया 900। बात समझ में आ रही है, एक एक चीज एकदम क्लियर कॉन्सेप्ट के साथ चलते रहिएगा, ठीक है। अगला देखिए, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, फिर वही डिस्काउंट वाला कॉन्सेप्ट लगाना है, जल्दी आप लोग स्टार्ट हो जाइए। तो इसमें क्या करना है मेरे भैया, 100 है 12% छूट यानी 88/100, हर बार आपको 100 में से घटाना है क्रमिक छूट में, 80/100 और यहां 75/100 हो जाएगा। चले 100 से 100 कट गया, फिर हम करेंगे 4/5 और इसको करेंगे तो ये मेरा लगभग में कितना आ जाएगा 3/4 और 4 से 4 कट गया। अब देखिए ये 5 नहीं कट रहा है तो गुणा कर लीजिएगा, 8 × 3 = 24 यानी 264/5। 5 से अगर आप इसको काटते हैं तो 5 से काटेंगे तो 5 × 25 = 25 कैरी कितना बचा, 5 × 2 = 14 फिर 8 × 5 = 40। तो अब इसको 100 में से अगर आप घटाएंगे 100 में से 52.8 तो कै रुपए का आपको छूट मिला, तो यहाँ पॉइंट लगा के 0 बढ़ जाएगा, यहाँ बचा 2 पॉइंट, यहाँ क्या बचा 7 और यहाँ क्या बचा 47। तो 47.2 आपका क्या हो जाएगा आंसर। चलिए हम लोग इसी तरह जल्दी जल्दी आसान आसान क्वेश्चन के साथ आगे बढ़ते रहेंगे, जितना पेपर में आया हुआ मैं अपने पास से नहीं लगाया हूँ, ठीक है। और ये बात ध्यान से समझ लीजिएगा, ये बहुत बेहतरीन सवाल था इस चैप्टर का, इस चैप्टर को मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को कहता हूँ, ये बहुत ही बेहतरीन सवाल लगाया है जिसने भी लगाया है, ठीक है। अब ध्यान से समझिएगा, किसी वस्तु का विक्रय मूल्य दोगुना कर दिया जाए। देखो मान लिया कि मेरा विक्रय क्या कर दिया गया 100 रुपया है मेरा, तो मैंने तो लाभ 4 गुना हो जाता है, इट मींस कि मुझे पहले भी लाभ हो रहा था और अब भी मुझे क्या होगा लाभ ही होगा, इट मींस मेरा क्रय मूल्य इससे कम रहा होगा, क्रय मूल्य क्या रहा होगा एक्स रहा होगा। ये बहुत बेहतरीन सवाल है, इस सवाल को माइंड करिएगा, ठीक है। तो 100 - x कर लेंगे, लाभ हो रहा होगा। कह रहा है अब जब विक्रय मूल्य को दोगुना कर दिया गया तो विक्रय मूल्य दोगुना हो जाएगा, तो 200 - x ही रहेगा, क्रय मूल्य घटाएंगे ना, तो अब ये लाभ में हो गया, दोनों लाभ हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन ये बराबर नहीं, हमने बराबर लगा दिया। कह रहा है ये वाला चार गुना है, इट मींस मुझको बराबर करने के लिए इधर बढ़ाना पड़ेगा। जैसे मैं कहूं कि आपके पास जो पैसा है, मेरा पैसा जो है वो दुगना है, तो ये बताओ मेरा ही दुगना करोगे कि आप अपना भी बढ़ाओगे, आप अपना बढ़ाओगे ना तो मेरे बराबर होने के लिए, सेम कॉन्सेप्ट, जो कम है उसमें बढ़ा दिया जाएगा, ये तो ऑलरेडी 4 गुना है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400 - 4x = 200 - x। पक्षांतर कर ले, बोलो पक्षांतर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 200 और वो कितना रह जाएगा, वो कितना हो जाएगा, नहीं 4x जाएगा उधर प्लस में और ये x माइनस, ये गलती मत करना, वो वही है ना, तो 3x = 200। तो x यानी क्रय मूल्य बराबर कितना आ गया 200/3। बोलो क्रय मूल्य अगर 200/3 है मेरे भैया, ध्यान से समझिएगा, क्रय मूल्य अगर 200/3 है तो मेरा लाभ कितने का होगा, लाभ मेरा 100 में से घटाएंगे कि नहीं घटाएंगे, 100 में से घटाएंगे तो मेरा लाभ क्या रुपया 100/3 का आएगा,
अरे भाई घटा देना 100 में से, ठीक, तो ये घटेगा, विक्रय है, मैंने बेचा इतने में, खरीदा इतने में, तो 100 घटाओगे ना तो लाभ मेरा कितना आ गया, 100/3। तो अब मुझे क्या चाहिए, लाभ प्रतिशत, बहुत बेहतरीन सवाल। तो लाभ मेरा कितने का, 100/3 का, मेरा ध्यान से क्रय मूल्य क्या रुपया, 200/3, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 से गुणा, 3 से 3 कट गया, 00 से 00 कैंसिल, 2 से कट देंगे इसको क्या परसेंट, 50%। बहुत बेहतरीन सवाल, ठीक है। चलिए हम लोग ऐसे धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, इसको देखिएगा कह रहा है, एक डीलर अपने क्रय मूल्य से 20%, देखो जब भी क्रय मूल्य से बढ़ाएगा, 100 है, 100 से बढ़ा दिया तो 120/100, फिर 15% की छूट दे देगा तो कितना कर लेगा, 85/100, ठीक, 85/100। ये कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रखिएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 00 से 00 और ये काट देंगे 6 बार में, और ये कटेगा 5 बार में, 5 से काट देंगे कई बार में, 17 छक्के 100। तो ऑटोमेटिक देखो तुमको कितने का लाभ हो रहा है, 2% का गेन हो रहा है, ठीक है, 2% का क्या हो रहा है, गेन। आंसर क्या मारेंगे, 2%। अगला लिखिए, सेम क्वेश्चन देखिएगा कुछ इसी तरीके का, कह रहा है अब इसको ध्यान से देखिए, करिए ये समझिएगा, पहले कह रहा है कि 100% है उसको लाभ हो रहा है, तो 115/100 तो लिख दिए, लेकिन वो कह रहा है एक ऐसे बाट का प्रयोग करता है जो 20% कम तोलता है, वेटेड 20% लेस। अब समझना कि अगर दिखाएगा 1000 तो तौल कितना रहा है, 800, तो लाभ 800 पे कमाएगा ना, तो यहां से लाभ निकाल के वहां रखना, ये वेटेड है तो 20/200 क्या रखेंगे, 800 × 100, 00 से 00 काट देंगे क्या परसेंट, 25, यानी गुड़े 125/100 हो जाएगा। 00 से 00 कैंसिल, हमने गुड़ा करने के लिए बताया था 115 × 125, जल्दी गुड़ा करिए, गुड़ा करेंगे तो आंसर आएगा लगभग 143/75 आया, गुड़ा करेंगे तो पॉइंट क्या लगा देंगे, 100 स्थान बाद, 2 स्थान बाद लगेगा ना, देख लो ध्यान से, 2 स्थान है तो 2 स्थान बाद, तो ये बताओ 100 से कितना ज्यादा, 43.75, बोलिए है कि नहीं है आंसर, ठीक। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन इसी तरह हम लोग देखते चलेंगे। ये सवाल मैं जब जब पढ़ाता हूं तब तब कहता हूं ये वही सवाल है, क्लास का स्टेटमेंट लोगों को याद आएगा, ये वही सवाल है, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, 15% छूट देकर 29,000 में वॉशिंग मशीन का मूल्य है, ठीक है, इफ नो डिस्काउंट इज अवेलेबल द गेन इज 15%, यदि कोई छूट नहीं दी जाती है तो दुकानदार को इतने में पड़ती है, तो वॉशिंग मशीन का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। चलिए अब ध्यान से समझिएगा, कोई छूट नहीं दी जाती है तो 12% का क्या होता है उसको, लाभ। तो अगर मैं निकाल लूं मेरे भैया कि अगर मैं 85% छूट पे कोई चीज का मूल्य कितना रुपया है, 29,750 है कि नहीं है, ठीक। तो हमको 100% चाहिए, तो दोनों को देखो किससे काट लिया जाएगा, काटो तो जरा, अगर काटते हैं तो किससे काट लिया जाएगा, 17 से कटेगा क्या, देख लो तो 17 × 1 = 17, 12 बचेगा, 127 बचेगा ना, 17 × 7 = 119, 8 × 5 = 17, 85 और 10 इतना गुना है 17 से काटने पे, यानी 5%, 5 से भी काट दे तो 1% बराबर 35 आ रहा है, जब इसको काटे हैं तो 35 आ रहा होगा, 350, ठीक। तो ये बताओ तो इसका कितना रुपया हुआ, अगर 100% अंकित मूल्य निकाल दें, 100% बराबर कितना हो जाएगा, 35,000 हुआ, और जब 35,000 में बेचे हैं तो मुझे 12% का क्या हुआ है, लाभ। तो जल्दी करिए, 112% बराबर, अगर 112% बराबर करते हैं कितना, 75,000, बताओ कटेगा, 7 से काट दे, सिंपल काट रहे हैं, 7 से काटेंगे 5,000 बार में कटेगा, 7 से काट दीजिए, 7 × 1 = 16 होगा। अब फिर देखिए क्या 16 से कटेगा,
नहीं कट रहा होगा तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 100% निकालना है, चार से भी कट जाए तो भी हो जाएगा, चार से काट ले रहे हैं तो 4% बराबर चार आ गया, चार से काटो इसको, चार से काटोगे चार एक कम, चार चार दूना पांच जीरो, सही है। अब बताओ दोनों तरफ किससे गुणा कर ले, 25 से, तभी तो 100 आएगा, हमको क्रयमूल चाहिए ना, तो 100% 25 से इधर गुणा किए तो 25 से इधर भी करना पड़ेगा, तो 25 से करेंगे तो क्या आ जाएगा, जीरो 25 पचे 125 कैरी, 12 25 दूना 50 12 62, यही होगा ना, 62 कैरी कितना 6, 25 से कम 25 6 31 31 50 है, कहीं पे यहाँ एक जीरो छूट रहा है, देख लीजिएगा आंसर ऑफिशियल आंसर क्यों, ठीक है चले आगे बढ़ रहे। चलिए अब यहां देखिएगा, बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत आसान सा मरा हुआ, इसको आप लोग कर सकते हैं। 300 में खरीदी गई और 3200 में बेची गई तो लाभ क्या रुपया, लाभ क्या रुपया 200, किस पे 3000 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, सिंगल से सिंगल कट गया, तो ये कितना आ जाएगा, अरे सॉरी बस लाभ पूछ रहा है ना, कै रुपए का लाभ या हानि रुपए में, तो 200 रुपए का लाभ सीधे, सॉरी हम लोग परसेंट में निकालते तो, परसेंट में निकालते तो क्या आ जाता 20/3 यानी 6 सही 2/3%, ठीक है अगर परसेंट में जाते तब। अगला देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि पेश करता है तो मैक्सिमम डिस्काउंट चाहिए, किस योजना में सर्वाधिक छूट है, तो देखो 10% और 15% 5 पे 2 वस्तु खरीदता है, यही है ना, तो 10 और 15 तो कर लीजिए, 100 पे छोड़ दीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा 90/100 गुड़े 85/100, जल्दी करिए फटाक से, डबल जीरो से डबल जीरो, सिंगल से सिंगल कट गया, इसको गुड़ा कर लीजिए, 9 5 45 का 5 कैरी 4 72 4 76 हो गया, तो ये लगभग मैं कै रुपया मेरे लिए छोड़ा 23.5, इतना परसेंट छूट रहा है डिस्काउंट। अब यहां छूट देख लीजिएगा, 2 वस्तु फ्री मिली है, किस पे 7 पे गुड़े 100, तो 200/7 पढ़ाए है ना, तो 7 × 2 = 14 6 × 7 = 8 56 लगभग 28.5, तो ये बताओ कौन सा छूट ज्यादा प्रभावी है, प्रभावी कौन सा छूट है बी वाला, चले ना, कौन सा छूट ज्यादा प्रभावी है बी वाला, सतर्क रहिएगा। अगला लिखिए, 2000 रुपए में एक वस्तु 2000 रुपए में बेचने पर अर्जित लाभ उसी वस्तु को 12 रुपए में बेचने पर हानि के बराबर है, ठीक है, तो व्हाट परसेंट है गेन ऑफ 20%, ठीक है, अर्जित लाभ उसी वस्तु को, सेम कॉन्सेप्ट है, देखो अब क्या करना है, अर्जित लाभ है, जब मैं किसी चीज को 2000 में बेच रहा हूं तो मैंने तुमसे बार बार बोला कि इसको जोड़ देना है, लाभ जब भी होगा तो जोड़ देंगे और हानि होगी तो घटा देंगे, तो हानि कितने में बिक रही है 1200 में हो जाएगा, ये 1200 है, ठीक 1200 में, तो अब ऐसी स्थिति में ये कट जाएगा तो ये कितना आ जाएगा 200% बराबर कितना 3200, यानी 100% बराबर कितना रुपया हो जाएगा 1600, कोई दिक्कत, 1600 रुपये में खरीदारी, लेकिन हमको 1600 में नहीं 20% लाभ लेकर बेचना है, तो गुड़े 120/100 हो जाएगा, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, तो 16 का गुड़ा जीरो, 16 × 32 = 2 कैरी 19 19 20 है किसी में, हाँ सी ऑप्शन, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है, ठीक है चलिए अगला लिखते हैं, हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, इसको समझिएगा क्या कह रहा है, 500 रुपए की फ्लैट छूट देता है, क्रेडिट कार्ड के साथ ग्राहक खरीदे तो कितने रुपए में पड़ेगा, ठीक है अतिरिक्त छूट देता है, चलो देखो 10000 रुपए है, 10000 रुपए के मूल्य पर 5000 रुपए फ्लैट छोड़ दिया, छोड़ दिया तो कितना बचा 9500 बचा, बोलो सही है ना 9500, इसके अलावा क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है तो 7% अतिरिक्त यानी 93/100 यही करेगा ना, फ्लैट दिया था उसके बाद ये छूट, जल्दी से गुणा कर लीजिए 9500 × 93 जल्दी से, 5 × 15 = 5 = 1 27 45 कितना हो जाएगा 27 45 हो जाएगा आपका 72 1 73 = 7 81 7 88 35 आंसर आया है, चेक कर लीजिए, चले थोड़ा सा हिम्मत जुटाइए, बहुत बेहतरीन बेहतरीन सवाल है, हम लोग चलते हैं देखते रहेंगे, ठीक है कह रहा है क्या कि 35% की और इतने की दो क्रमिक छूट दी जाए तो कै रुपए का डिफरेंस आएगा, चलो देखो डायरेक्ट अगर 3600 पे
35% छुड़वा दिए तो 35/100, सॉरी पेमेंट करा दो 65 कर दो, सॉरी पेमेंट करा दो 65, पेमेंट करना है ना, तो 36 × 35 गुणा करिए 65, जल्दी से गुणा करिए, तो गुणा करेंगे तो ये 23,40 आएगा। और उधर दो छूट दे दे रहा है 36,000 पे, कितना कितना, पहला 70/100 और दूसरा 95/100, जो कटे काट दीजिएगा, 00 से 00, सिंगल से सिंगल, 5 से काट दे रहे हैं 19 बार में, 5 से 18 बार में हो जाएगा। तो हम करें तो 18 सते 126 और 126 गुणे 19, तो 19 छक्के 114 का 4 कैरी कितना 11, 19 × 38 38 11 49 49 का 9 कैरी कितना 4 और ये कितना आ जाएगा 23। तो इन दोनों में अंतर देख लो क्या रुपए का हो रहा है, 54 रुपए का। आंसर मारिए जाइए, बहुत बेहतरीन सवाल लगा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अगला, देखिए क्या कह रहा है। एक सीलिंग फैन का अंकित मूल्य 4200 है और दुकानदार 5% छूट देता है यदि उसका लाभ, ये वही सवाल है, ध्यान से समझिएगा, जहां पे एक बार ग्राहक और दुकानदार के नजरिए से सोचना है, ध्यान से समझ लीजिएगा, किसके नजरिए से, दुकानदार और ग्राहक के नजरिए से, ठीक है, दुकानदार और ग्राहक के नजरिए से। ग्राहक हमेशा क्या देखता है, छूट, तो 4200 रुपए पे छूट कितना है मेरे भाई, 5%, 95/100। लेकिन ग्राहक दुकानदार हमेशा क्या देखता है, लाभ या फिर हानि, यही देखता है। तो सेम उसी तरीके से अगर करेंगे तो लाभ या हानि देखेगा, तो हमको क्रय मूल्य नहीं मालूम, तो लाभ कितने परसेंट का है, 114/100, यही है ना, लाभ 114/100, 0 से 0 काट देंगे, 19 पचे 19 छके, कोई दिक्कत, सही है, 19 छके 114 होता है ना, और 6 से काट दिए 700 बार में, तो ये बताओ उसका अंकित मूल्य क्या रुपया हो जाएगा, 3500। चले चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आंसर चेक करते रहना है, एक एक आंसर छोड़ना नहीं है आज, आज सब लगाया जाएगा, 20 पे हम लोग पहुंचे हैं, पूरा 70 क्वेश्चन आज लगेगा, देखते हैं अगला। देखिएगा, दो क्रमिक छूट की योजना के साथ बिक्री पर उपलब्ध है, एक ग्राहक के लिए अंतिम विक्रय मूल्य क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, बहुत बेहतरीन सवाल, सब क्लास में कराया हुआ, जो क्लास में पढ़ा दिया वो आएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, 88/100 और यहाँ 92/100 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल आउट, अब यहाँ पे सिंगल से सिंगल कट जाएगा, सिंगल से सिंगल वाला कट जाएगा, आंसर चेक कर लेना आएगा क्या, ठीक है, सिंगल से 3 जीरो कटा है, निकटतम तक चाहिए, चलो ठीक है कोई नहीं, गुणा करो इसको, इसका गुणा करो जल्दी से, तो 88 × 92 करना है ना, 80 96 आ रहा है, 9.6 लग जाएगा, एक पॉइंट बच गया, तो 9.6 और 9.6 लगा तो निकटतम चाहिए, तो हम क्या कर लें, 810, इसको हम निकटतम किसके मान सकते हैं, 810 की। चले नेक्स्ट अगला लिखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पे ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है, कि एक व्यवसाय 7 संबंधित 5 में धन में निवेश करते हैं, कुल लाभ 15% दान कर दिया, ठीक है, और ए का हिस्सा इतना है, तो कुल लाभ कितना। चलो ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल, ए में से 15% 100% अगर लाभ हुआ होगा तो दान कर दिया, 85 बचा, 85% बचा ना, इसको इन लोगों ने दिस अनुपात में निवेश किया था, उस अनुपात में बांट लिए, तो ए का लाभ 7 बराबर मेरे भाई कितना, 5950, तो गुना ढूंढ ले, 7 × 8 56, फिर 7 × 5 850 गुना हुआ, यही हुआ ना, तो हमको 12 से 850 करना है, 12 × 850 0 × 12 = 25 60 कैरी 6 × 12 = 98 96 और कितना हो जाएगा, 6 है ना, 6 × 96 = 102 10200, और 10200 किसके बराबर है, 85% के बराबर है कि नहीं है, देख लीजिए, हमने 12 निकाल लिया, यही चीज 12 है, तो 12 बराबर इतना हो गया, यानी कुल धन इतना, तो 85 बराबर कितना, 10 200, तो हमें कुल लाभ चाहिए 100%, तो
तो 17 से काट रहे हैं 5%, 17 से काट रहे हैं 17 छक्के 102, 5 का 20 गुना, तो इसका 20 गुना करेंगे कि नहीं करेंगे बताइए, 5 का 20, 17 से काटे दोनों को, तो अब 5 का 20 गुना होगा ना, 20 बचे 100, तो इसका 20 गुना कितना हो जाएगा, 12,000 आंसर है, चेक करते चलिए। ठीक, बहुत बेहतरीन, एक एक चीज इतना कैलकुलेटिव तरीके से समझाऊंगा कि आप लोग को याद आएगा। ठीक है, चलिए, एक दुकानदार 100 रुपए में कोल्ड ड्रिंक की 6 बोतल खरीदता है और 20% लाभ लेने के लिए एक बोतल को कै रुपए में बेचे, चलो इधर देखो ध्यान से, 100 रुपए का खरीदा, 20% लाभ लेगा, कितने में बेचेगा, 120 में बेचेगा, लेकिन कितना बोतल बेचेगा, 6 बोतल बेचेगा ना, तो एक बोतल का बिक्री मूल्य कै रुपया, 20 रुपए। चले नेक्स्ट, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये है, यहां पे लगा रहा है, अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक किराना व्यापारी को 48 रुपए की चीनी खरीदता है जिसकी कीमत 50 रुपया है और 100 ग्राम की जगह पे कितना ग्राम तोलता है, 900 ग्राम दे रहा है, तो लगभग प्रतिशत बताइए, तो पहला तो परसेंटेज हम लोग वहां से निकालेंगे, 2 का लाभ कितने पे कमाएगा, 50 रुपए प्रति किग्रा, जिसकी कीमत ग्लॉसरी ही सेलिंग 48 रुपए में, व्हाट कॉस्ट इफ ही इज, चलिए ठीक है, लॉस में बेच रहा है ना, पहला कितने में बेच रहा है, लॉस में 2 रुपए का लॉस हो रहा है। देखो, एक किनारे दावा यह है कि वह 48 रुपए में चीनी बेच रहा है, खरीदा कै रुपए में, जिसकी कीमत 50 रुपए थी, तो 50 पे देखेंगे गुड़े 100, बोलो है कि नहीं है, तो 2 दूनी 4% तो यहां से कमा लिया इज्जत से। अब कह रहा है यहां पे कितना तोल रहा है, कितना का तोल रहा है, 900, तो कै रुपए का डंडी मारा, 100 का, किस पे मारा, 900 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 00 से 00 कट गया, तो अब हम जोड़ेंगे, 100 में गुणा करेंगे कितना आएगा, ये 100 में गुणा करिए इसको, तो 100 में गुणा करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 104/100 गुणे, ये कितना आ जाएगा, 100 में जोड़ देंगे तो, 100 में जोड़ दीजिए इसको तो 1000/900, जल्दी खत्म करो इसको, 00 से 00 डबल से डबल कट गया, यानी कितना आ गया, 10/40, और इसको 9 से काटा जाए तो 9 से काटिए कितना आ रहा है, 115.5, देखना आंसर क्या दिया है, 115.5, 6.7 आ रहा है, एक मिनट, यहां हमसे थोड़ी सी गलती हुई है, ये हानि है, 50 रुपए का माल उतने में बेच रहा है तो ये हानि है, यहाँ थोड़ा सही कर लीजिएगा, एक मिनट, इरेजर लगाते हैं, पूरा मिटा रहा है, ठीक है, ये यहाँ गड़बड़ हुई, पूरा सही कर ले रहे हैं, चलिए देखिएगा, ये हानि है, ये थोड़ा सा सही कर लीजिएगा, 100 है, 100 में 4% हानि होगी तो 96/100, और ये हो जाएगा हमारा, कितना निकाले थे इस पे कितना मारे थे, 1000 की जगह कितना तोलता है, 900, तो डंडी कितने का मारा, 100 का, किस पे मारा, 900 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 00, तो ये इतने का लाभ हो रहा है, 100/9 का लाभ, 100/9 का लाभ, यानी हम क्या लिखेंगे यहाँ पे, लाभ है तो 100 में जोड़ देंगे, तो 100 जैसे जोड़ने जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 1000/900, काटो 00 से 00 कैंसिल, चले ना, 00 से 00 कैंसिल, ये आ जाएगा आपका 3/2 और ये आ जाएगा 3, यानी 320/3, यानी केवल कितना ज्यादा है, 20/3 ज्यादा है, यही होगा ना, ऐसे करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो 1.666 आता जाएगा, इसी को लिखा है 106.67, तो 100 से कितना ज्यादा, 6/7, ये थोड़ी सी गलती, चले नेक्स्ट देखिए, वो हानि था, हम लोग की गलती थी, वो हम लोग ध्यान नहीं दिए, चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा, एक डीलर 900 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदता है, इसका अंकित मूल 10% की छूट पर, फिर भी उसे 10% का लाभ होता है, ये वही सवाल है मेरे भाई, जिसको मैं बार बार कहता हूँ कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दुकानदार और कौन सोचेगा, दुकानदार और ग्राहक, ध्यान से समझना, ग्राहक हमेशा क्या देखेगा, छूट, अंकित मूल्य देखता है, ग्राहक हमेशा क्या देखता है, अंकित मूल्य, अंकित मूल्य पे छूट कितने का है, 10, यानी 90/100, बोलो कोई दिक्कत, दुकानदार हमेशा क्या देखता है, लाभ या हानि, तो लाभ हानि किस पे देखेगा, क्रय मूल्य पर, सॉरी
9000 पर लाभ है 110 बटा 100, 00 से 00, 90 से काट देंगे 100 बार में, यानी क्या रुपए का लाभ, क्या रुपए का लाभ 10000, यानी उसका अंकित मूल्य क्या रुपया रखा जाएगा, सॉरी 11000 होगा, ये 11 है ना, 11 रखा जाएगा। आंसर चेक कर लीजिएगा, 11 दिया है ठीक, हाँ ऑफिशियल आंसर की चेक करते रहिए साथ साथ ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिएगा, ये है, अब यहाँ क्या कह रहा है कि 20% पे बेचने पर उसे दुकान 20% हानि, इसे 3000 में देखो, जब किसी चीज को 20% हानि पर बेचता है यानी 80 बराबर 2000 में बेचा, तो कह रहा है अगर मैं 3000 में बेचूं तो मुझे क्या होगा, तो आप क्या करिएगा, जब आपको ये निकालना रहे इसका गुणा ये चला आता है नीचे, तो 80 गुणे ध्यान से देख लो, ये क्या हो जाएगा 3000 बटा ये कहाँ चला आएगा नीचे 2000, डबल जी 3 जीरो से 3 जीरो काट दिए और इसको काट देंगे कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए ये कितना आ जाएगा 40, तो 40 थी यहाँ 120, 120 हुआ, यानी 20% का आपको क्या हो रहा है ये, चले दिमाग से अगला लिखिएगा। ये सब कैलकुलेशन का अपना अपना जरिया, 500 रुपये में एक साड़ी खरीदी गई और एक साड़ी खरीद का अंकित मूल्य इस तरीके से डाला जाता है कि 16% लाभ हो, बाद में इसके अंकित मूल्य में एक्स परसेंट की छूट दी जाती है, यदि साड़ी का विक्रय मूल्य, तो छूट कितने का दी गई, चलो ठीक है 16% बढ़ाकर अंकित किया जाता है, 16% लाभ हो ना इस तरीके से अंकित होता है, तो चलो 500 है, 500 को 16% बढ़ा दिया तो 116 बटा 100, अब छूट दे रहा है 100 माइनस एक्स बटा 100 और कै रुपए में बिकी 493 हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, काटो काटो, तो ये आ जाएगा मेरा कितना 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 493 इंटू 100 होगा ना, बटा नीचे क्या आ जाएगा 116, काटा जाए, बोलिए किससे कटेगा, हाँ और वहां पे अभी नीचे ऊपर क्या है 5 से काट दो इसको, कई बार में 20 बार में, फिर 20 कटे 5 4 से काट दो, यहाँ कई बार में 4 दूनी 8 सही है ना, फिर 4 नवा 36, 4 से काट देना इसको, 4 से काटो कई बार में 5 बार में, 29 से इसको काटना जरा, 29 से कम 29 सते 17 बार में, 17 पचे 85, तो अब बताओ 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ध्यान से देखना 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 85, तो एक्स बराबर कितना 15%, ठीक ये याद रखिएगा। अगला लिखिए नेक्स्ट, ये भी ठीक है, एक दुकानदार अपने माल का मुद्रित 10% छूट देता है, इस प्रकार उसे लाभ होता है। देखो ध्यान से, दुकानदार और ग्राहक वाला सवाल बहुत फेमस है, दुकानदार और ग्राहक, ठीक है, ग्राहक हमेशा क्या देखता है अंकित, ग्राहक हमेशा क्या देखता है अंकित, मैं दुकान पे जाऊंगा तो अंकित देखूंगा, दुकानदार हमेशा क्या देखता है क्रय मूल्य, क्या देखता है क्रय, और क्रय पे लाभ होता है, तो लाभ कितने परसेंट का है 20%, तो 120 बटा 100, और अंकित क्या है हर बार, अंकित क्या है, अंकित पे 10% छूट 90 बटा 100, काट दे 100 से 100, तो क्रय बटा अंकित होगा ना, ऐसे ध्यान से देख लेना, क्रय बटा अंकित, क्रय बटा अंकित क्या हो जाएगा 90 बटा 120, 0 से 0 कट गया और ये कितना आ जाएगा 3/4, यानी किसके किसके, वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित मूल्य 3 और 4 का अनुपात। चले नेक्स्ट लिखिएगा, अगला करीब चल रहा है हम लोग, जल्दी जल्दी घबराइएगा मत, थोड़ा सा समय लग रहा है, कैलकुलेटिव तो है भाई, पेपर सीजीएल का पेपर है, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, उसकी भी तो इज्जत देनी पड़ेगी। चलो ठीक है, कैलकुलेटिव कुछ नहीं है, अंकित मूल्य 96 रुपये है और इतने का छूट देता है, विक्रय मूल्य निकालो, कोई दिक्कत नहीं, जल्दी करो, 9600 गुणे सॉरी कितना हो जाएगा 9400 गुणे 96/100, जल्दी करो फटाक से, 00 से 00 कट गया, यानी 96 गुणे 94, लास्ट में 4 आना चाहिए, सबके है 4, कैरी कितना 2, ये कितना हो जाएगा 9×6=54 और 36, 90×90=2, 92×92 का 2 कैरी कितना 9, 81 9, 90 24 है आंसर,
ठीक, नेक्स्ट लिखिएगा। अगला देखिए 30 नंबर, 60% अंकित करता है, उसे अंकित मूल्य पर 10% और 20% की छूट देता है, तो दो क्रमिक छूट के बाद लेन देन में इतने का लाभ होता है। चलो ठीक है, करो पहले 100 है, 100 से कितना ज्यादा अंकित किया, 160/100 हुआ, बोलो कोई दिक्कत। फिर 10% और 20% की दो क्रमिक छूट दे दो तो जरा 90/100 गुणे 80/100, बोलो कोई दिक्कत। छूट है 00 से 00, 00 से 00 ये कट गया और 00 से 00 कट गया। ठीक, अब इसको काटो जल्दी से, 16 नवा 144 गुणे 8/10, 8 चौके 32 का कैरी, 2 कैरी 3, 35 कैरी 3 11 आया, ये आया, तो क्या रुपए का ज्यादा लाभ हो रहा है, 15.2 का लाभ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और 15.2 बराबर क्या रखेंगे, 10/64, पॉइंट हटा दे, 0 बढ़ा दे, गुना ढूंढो जल्दी से, गुना ढूंढो कितना होगा, 15 नवा देखो, गुना मिल जाए तो करो, हो गया जल्दी से डिवाइड, 63 आ रहा है हाँ कि 72 आ रहा है, जल्दी कर, कुछ गड़बड़ नहीं ना हो रहा है, देख लेना डाटा सही रखा है ना, 10/64 हाँ, ये इसका कितना आ रहा है, 70 गुना, ठीक है 70 गुना आएगा ही, ठीक है वो 70 गुना ऑटोमेटिक सेट हो रहा है, 70 गुना, तो 100 का 70 कितना हो जाएगा, 7000, इतना टाइम लग रहा है डिवाइड करने में। चले नेक्स्ट देखिएगा, चलो नेक्स्ट देखो अगला, ये है करिएगा। अब इसमें क्या करना है, एक दुकानदार 20% लाभ पर हेडफोन की एक जोड़ी इत्यादि 4700 में बेची, यदि इसे 4700 में 30 में बेचा होता तो कितने परसेंट का लाभ या हानि होती। चलिए ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 20% लाभ पर, तो 120 बराबर मेरे भाई कितना, मैंने समझा चुका है, 5 5 2 0, तो ये बताओ 43 20 रहेगा, 43 70 रहेगा, तो क्या करेंगे, इसका इसका गुणा ये कहाँ चला आएगा, नीचे, यही चीज तो समझा रहे हैं तब से, तो इसको करिए कैसे होगा, तो ये क्या हो जाएगा, 120 गुणे 4370 अपॉन 5520, तो 0 से 0 कट गया। ठीक, फिर दोनों किससे कट रहे हैं, इन दोनों को सॉल्व करेंगे आप, 4 से काट लीजिएगा 30 बार में, कोई दिक्कत, 4 से काट लेंगे, 4 एक कम नहीं कटेगा ना, नहीं कट जाएगा, 4 एक कम 4 4 3 आई 4 8 32, फिर 2 से काट लीजिएगा तो ये कितना आ जाएगा, 69, और ये कितना आ जाएगा, 15 आएगा, फिर 3 से काट ले रहे हैं तो 3 से काटेंगे ये कितना आ जाएगा, 2 और 3, और ये कितना आ जाएगा, 5, 23 से काटना जरा, अरे यार सॉरी 43 70 है ना, गड़बड़ हो रहा है, मिट, हम गड़बड़ लिख रहे हैं यहाँ, आते आते गड़बड़ हो जा रहा है मेरा, यहाँ मिटा रहे, ठीक ये 43 70 है, अब 23 से काटो इसको, ठीक 19 बार में कट जाएगा, 19 बार में, ठीक 19 5 95, तो 95% आया, तो 100 से कितना लॉस, 5% के लॉस पे। नेक्स्ट लिखते 32, अगला देखते हैं 32 नंबर कर रहे हैं, तो 32 नंबर में क्या है हमारा, फ्रॉक का अंकित मूल 4500 है, दो क्रमिक छूट पर 2400 में बेची गई पहली छूट, बहुत बेहतरीन सवाल, 4500 रुपया है, पहली छूट 20%, तो 80/100, दूसरा नहीं मालूम तो 100 - x/100 कै रुपए में बेची गई, 2400 में, मिटा लो 2400 में, ठीक है चलो जल्दी से फटाक से करो। ठीक, तो ये क्या हो जाएगा, 00 से 00 कैंसिल, ठीक 00 से 00 कैंसिल, 8 से काट देंगे कै बार में, 300 बार में, 3 से काट देंगे 15 बार में कट जाएगा, 5 से काट देंगे 3 बार में, और 5 से काट देंगे 2 बार में, और 3 से काट देंगे
एक मिनट रुक जाओ, कुछ गड़बड़ हो रहा है। तीन नहीं कट पाएगा शायद, वहाँ 100 हो गया था ना, तो ये कितना आ जाएगा, 200 बटा, देखो आंसर है 200 बटा 3, ये 100 आया था, देख लो 100 आया था, 200 बटा 3, 66 सही, 2 बटा 3 है आंसर। कुछ गड़बड़ हो रहा है, तब एक मिनट रुको, तब एक मिनट रुको, फिर से कर रहे हैं, फिर से कैलकुलेट कर रहे हैं, कैलकुलेशन में यही होता है, बेसिक की तरह करेंगे तो यही दिक्कत होगा। ठीक है, एक मिनट रुको, ध्यान से, बहुत तेज बारीकी से काटे हैं। कितना है, 4500 रुपया है, 4500 पे कितना, 80 बटा 100, दूसरा नहीं मालूम तो 100 माइनस एक्स बटा 100 सही था, 200 बटा 3, 100 में से घटाते ना 100 बटा 3 तो आता ही, तो ये कितना हो गया तुम्हारा, ये कितना आया 2400। ठीक, डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल, सिंगल से सिंगल कट, यही फरिया दे रहे हैं, 5 से 9 बार में, 5 से 2 बार में, 2 से 4 बार में, तो ये मेरा आ जाएगा 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा, यहां लेके चले जा रहे हैं, देख लो 2400 बटा 9 गुणे 4 हो जाएगा, 4 से काट दे रहे हैं देख लो 600 बार में, 3 से काट दे रहे हैं देख लो कई बार में, 3 से काट दे रहे हैं 200 बटा 3 हो गया, और जब उधर जाके घटेगा तो एक्स आ जाएगा तुम्हारा 100 बटा 3 यानी 33 सही, 1 बटा 3, कोई दिक्कत नहीं, चलो आया आंसर ना, नेक्स्ट, कुछ गड़बड़ नहीं था, हम लोग सही थे। अब यहाँ देखिएगा कह रहा है कि 5% का लाभ हो, ये बहुत बेहतरीन सवाल है, तो जब भी 5% का लाभ बोलेगा तो आप इसको भिन्न में बदल दीजिएगा, भिन्न में बदलेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5/100, आप इसको लिखेंगे 1/20, बोलिए 1/20, ठीक है, 1/ कितना आ जाएगा 20, एक्चुअल में ये करेगा क्या, सही है ना, 5% की 55% है, देखना क्या है क्वेश्चन में, सही से देखो, 5 सही, 1/5 है क्या, 5 सही, 5/19, सॉरी मिटा रहे, थोड़ा सा मिटा रहे, ओहो क्लोन बन जाएगा, डिलीट करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए ये जो लाभ है इसको थोड़ा सा सही कर लीजिएगा आप लोग, ये वाला, ये कितना है 5 सही, 5/19%, इसको भी सही कर लीजिएगा, 5 सही, 5/19%, तो जब इस तरीके से रहेगा तो इसको भिन्न में बदलना, तो 5 सही 5/19% को भिन्न में बदलेंगे तो 19 95, 100/19% हो जाएगा, और यहाँ 1900 कर लोगे, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया तो 1/19। अब यहाँ कॉन्सेप्ट लिखना, पूरा दिखाएगा, देगा 1, चोरी करेगा या डंडी मारेगा जिसको बोलते हैं, चले तो देखिए, दिखाया कितना 20, 20 बराबर कितना दिखाया आपको 1 किलो है ना, इसका क्या गिनो 50, तो हमको देगा कितना, पूछ रहा है 1 किलो के बजाय कितना फल दिया, तो 19 का 50 कितना हो जाएगा 95, ठीक 950 ग्राम। अगला लिखिएगा, घबराइए मत, अब कंप्लीट होगा धीरे धीरे। ठीक है, अब ये सवाल देखिएगा, कह रहा है 50 दर्जन केले इतने में खरीदा और एक जोड़ी केले 10 रुपए में बेचा, तो हम ये बताओ 2400 रुपए में खरीदे हैं और एक केले का दाम निकाल लें तो मेरा काम हो जाएगा, तो हम इसको अगर 50 से डिवाइड करेंगे, जीरो से जीरो कट गया, 50 से काट दिए, क्या रुपया 48 रुपया दर्जन आया, और हम एक केला निकालना चाहते हैं तो 12 से काट दे, काट देना तो क्या रुपया पर केला आया 4 रुपया, और 4 रुपया में ट्रांसपोर्टेशन प्रति केले क्या रुपया लगा है 0.25, यानी क्या रुपया आ गया 4.25, और मैंने एक जोड़ी कितने में बेचा, एक जोड़ी मतलब दो केला कितने में बेचा 10 में, तो एक केले का दाम 5 रुपया, तो क्या रुपये का फायदा, फायदा इसी पे देखोगे ना, 0.75, किस पे 4.25,
दो पांच गुड़े सौ, पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, पॉइंट से पॉइंट क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो पॉइंट से पॉइंट हट जाएगा, तो जल्दी से सॉल्व करिए, 425 है, दो दो स्थान बाद लगा था, तो जल्दी करिए कितना आ जाएगा, 25 से काट दे, 25 थी यहाँ 75, 25 से काटिए 17 बार में, तो कितना आ जाएगा 300 बटा 17, 17 से काटिए, 17 दूना 17 कम 17, बचा कितना 1 3, फिर कितनी बार में जाता है 17, 17 ठीक 126 सही है ना, 136 हो जाता है, 17, 17.6। चलिए अगला करिए, यहां देखिए क्या कह रहा है, 92,000 रुपए अंकित मूल्य के एक एयर कंडीशनर को बेचने के लिए 30% छूट की घोषणा करता है, कंडीशनर का दाम 70% क्या है, अंकित मूल्य से कम है, और यदि खुदरा व्यापारी को देता है तो कितना। बहुत अच्छा सवाल है, बहुत बेहतरीन, देखिएगा ध्यान से, स्थिति समझते चलिएगा, चार पार्ट में सवाल होगा, ठीक, बहुत बेहतरीन है। कह रहा है क्रय मूल्य पहले पता करें, तो अगर अंकित 100 है तो क्रय 30 होगा, एयर कंडीशन का क्रय मूल्य अंकित मूल्य से कितना कम है, 70 कम, अंकित मूल्य अगर 9200 है मेरे भैया, बोलो कोई दिक्कत, 92,000 है तो इसका क्या गुना 920, तो इसका 920 कर लोगे, करेंगे तो 006 और 9 3 27, तो ये मेरा खरीदार हुआ। चले, कह रहा है कि 30% छूट पर बेचता है, ठीक है, चलो तुम छूट पे बेचो, छूट पे बेच दोगे, तो छूट पे 9200 पे ही ना बेचोगे, छूट पे, तो छूट पे बेचोगे तो कितने में बेचोगे, 70/100 बेचे, तो 00 से 00 कैंसिल, 100 उतर जाएगा, 7 × 2 = 14 का 4 कैरी 1, 9 × 7 = 63 64, तो यहां लाभ कितना हुआ, डायरेक्ट बस पता करो लाभ कितना हुआ, घटाइए जल्दी से, घटाइए तो 0 में से 0 जाएगा 0 0, फिर यहां 4 में से जाएगा 14, 14 में से 6 जाएगा 8, फिर यहां क्या बचा 3, 6 बचेगा, कैरी 5, यहां 5 हो गया ना, तो 5, तो यहां क्या बचेगा 3, ये कब है, जब सदस्यता नहीं लगी है। अब अगला कंडीशन समझिएगा, अगला कंडीशन कह रहा है 20% सदस्यता वाले पे लग रहा है अतिरिक्त, तो ये जो मिला मूल को 64,400 रुपया, इस पे 20% अतिरिक्त छूट दे रहे हो, तो 80/100, इसको भी सॉल्व करो, 00 से 00 कैंसिल, 00 हो जाएगा, 8 × 32 कैरी 3, 35 कैरी 3, 51 500, तो अब जरा इस पे लाभ देखो, लाभ देखो कितने का, घटाइए तो हम घटाएंगे तो क्या रुपया आएगा, 0 में से 0 गया 2, यहां क्या बचा 5, 15, 15 में से 6 गया 9, यहां क्या बचा 0, 0 में से गया 3, सही है ना, कैरी कितना बचा 2 2, सही है 23,900। तो अब ये पूछ रहा है सदस्यता वाला जो परसेंटेज है खुदरा वाले के कितने प्रतिशत का है, तो ये देखो कितना प्रतिशत होगा, 3920 किसका, 36,800 का कितना परसेंटेज है, जल्दी काटो, 00 से 00 कैंसिल, कितना परसेंट है, तो लगभग में काटो, काटिए इसको, 4 से भी कटेगा 65%, तो लगभग में कितना आ रहा है 65, जब आप इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा 65%, ठीक है, तो ये चीज करना था। अगला लिखिए, बहुत बेहतरीन सवाल था, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या है, देखो एक चावल का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य समान है, तौलने की मशीन में खराबी होने के कारण, ठीक, देखो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों क्या है समान है, ठीक, दोनों क्या है
समान है, इसको देख लेना ध्यान। चलिए देखिएगा ये सवाल। अब यहाँ क्या करना है, तो 100 रुपया और 115 रुपया, 100 रुपया और 115 रुपया, ठीक है, 100 रुपया और 115 रुपया। क्या कह रहा है कि 15% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी एसपी और सीपी आपका क्या है, बराबर है। एसपी और सीपी आपका क्या है, बराबर है। एसपी सीपी बराबर है, और 115 रुपये में एक्चुअल में वो कितना तोल रहा है, 1000 तोल रहा है, ठीक। अब वो कह रहा है कि 950 पे तोलेगा, तो 950 पे अगर मुझे 15% का लाभ चाहिए, तो 115/100, जल्दी से कैलकुलेट करिए इसको, ठीक, जीरो से जीरो कट जाएगा, काटिए इसको, जल्दी करिए, खत्म करिए, 95 × 115 × 575, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 10, 92, 11, और यहाँ पे चुपचाप क्या लग जाएगा, पॉइंट, ठीक। ये याद रखिएगा, 1000 पे आपको 115 हो रहा था, 15% का प्रॉफिट। अब जब 950 ग्राम तोलेगा तो भी तो आपको 15 ग्राम का प्रॉफिट चाहिए, तो आया ये एक्स में, ये किसमें है, ग्राम में, किलोग्राम में बदलना है, तो हमको इसका आंसर क्या लिखना पड़ेगा, 1.0925 ग्राम। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, ये वाला, ये एक जीरो नहीं था इसमें, ठीक है, ये थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ये जीरो नहीं होगा, यहाँ पे जीरो नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला लिखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको करते हैं। ये हो गया था क्या सवाल, पंखा, हाँ चलिए, हाँ शायद हो गया, दूसरा है, चलिए देख लेना, कुछ देर पहले लगा था क्या ये वाला। अंक, ग्राहक और दुकानदार है, कौन है, दुकानदार और ग्राहक, ठीक है, दुकानदार और ग्राहक वाला सवाल है। तो दुकानदार, डीलर, क्रय मूल्य कितना रुपया है, दुकानदार हमेशा 200 रुपये पे लाभ देखेगा, 2000 पे, 2000 पे कितने का लाभ है, 20%, तो 120/100। ग्राहक हमेशा क्या देखेगा, छूट, तो छूट कितने का है, 80/100, नहीं हुआ था ना, नहीं, तो इसको काट देंगे 3 बार में, और ये कटेगा 2 बार में, 2 से काट देंगे इसको कई बार में, 1000, तो आंसर कितना रुपया आ जाएगा, 3000 रुपया आंसर है, चेक कर लीजिएगा, पानी देना जरा सा, 3000। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन करिएगा, ठीक। करते हैं इसको, देखिएगा कितना है, ध्यान से। ए ने एक वस्तु 25% लाभ पर बेची, बी ने निश्चित लाभ अर्जित करते हुए इसे सी को बेच दिया, सी का क्रय मूल्य ए के क्रय मूल्य से 30% अधिक है, तो करिए जल्दी से। तो अगर मान लो 100 रुपये की चीज है, 25% लाब लेकर बेची, तो 125/100, इसने भी कुछ लाभ अर्जित किया, नहीं मालूम, सी को बेच दिया ना, यानी बी को बेचा, बी ने सी को, सी ने उतने में खरीदा जितना एक का अधिक था, तो ये से कितना रुपया, 130, जल्दी से खत्म करो, 00 से 00, 5 से काट दे रहे हैं 4 बार में, तो 100+ ये कितना हो जाएगा, x = ये कितना हो जाएगा, 520/13 × 52/5, काटेंगे तो कितना परसेंट, 104, तो क्या परसेंट ज्यादा, 4% ज्यादा। चलिए जल्दी करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ये देखिए 31.1 की एकल छूट है, बढ़िया सवाल है। तो देखो 100 है, पहला छूट 95/100, दूसरा छूट कितना है, 90/100, तीसरा नहीं मालूम, 100 - P/100 = लेकिन छूट कितने की है, 31.1 की, तो 100 में से 31.6 की छूट में सामान बेची गई होगी, तो कै रुपया में बेची गई होगी, 4 आएगा, कैरी दे दिया तो 9 बचा, 8 कैरी दे दिया तो क्या बचा, 7, 9 में से गया 6, तो ये आ जाएगा 68.4। जल्दी से खत्म करना जरा इसको, ठीक, 00 से 00 कैंसिल, सिंगल 9 से काट दे रहे हैं, ये पॉइंट हटा दे रहे हैं यहां से, और ये क्लियर कर दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, ठीक है, यहाँ पॉइंट नहीं रहेगा, ये पॉइंट हटा दे रहे हैं, ठीक है, 10 हट गया, पॉइंट भी हट जाएगा, ठीक है, 10 हट गया, चलिए हो गया, क्लियर हो गया ना, 9 से काटिएगा इसको, 684, तो ये कट जाएगा कै बार में, 76 बार में, 19 + 5 = 19, 4 बार में, 5 से 20 बार में,
तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू 80, तो एक्स इज इक्वल टू 20% की छूट। चले अगला लिखे, इसको करिए। 12% लाभ अर्जित करने के लिए एक दुकानदार एक टेलीविजन को इतने में बेचता है, तो दुगना लाभ प्राप्त करने के लिए, चलिए 112 में बेचा, तो 112 में बेचा तो 2 2 4 00, इसका क्या गुना 200 गुना है, तो दुगना लाभ कितना होगा, 124 ही ना होगा, तो 124 का दुगना कितना हो जाएगा, तो ये करेंगे 00 8 4 2। क्लियर है? नेक्स्ट इसी तरह अगला करते हैं जल्दी से, 40 नंबर की तरफ चल रहे हैं, अब सवाल उतरेगा, एक 30 सवाल है, जल्दी जल्दी प्रयास करते हैं खत्म हो जाए, टाइम ज्यादा लगता है। किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 25% की तीन क्रमिक छूट किस एकल छूट के बराबर है, तो 25% की तीन क्रमिक, प्रत्येक तीन क्रमिक छूट देनी है, जल्दी से करिए। तो 100 तो कितना हो जाएगा, 75 बटा 100 गुणे 75 बटा 100 गुणे 75 बटा 100, जल्दी से काट लीजिए। देखो ये काट लेंगे 3 बटा 4 3 बटा 4 3 बटा 4, कोई दिक्कत, तो जल्दी से कर दीजिएगा, 2700 डिवाइडेड बाई 16, जल्दी से करो, तो 16 से काटिए, 16 नहीं होगा 64 होगा, रुक जाना एक मिनट, सॉरी मेरी गलती है, 4 का क्यूब होगा 64, जल्दी करिए। कितना आ रहा है, 42.18, तो 18 आ रहा है, तो लगभग में आंसर क्या हो जाएगा आपका, 57.51 होगा। बोलिए, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 25% छूट के, तो किस एकल छूट के, गड़बड़ बोल रहे हो क्या तुम लोग, जल्दी काटो। हाँ तो ठीक है, इतना रुपया आया, 42.18 आया ना, तो ये विक्रय मूल्य हुआ ना, 100 से इतने में, तो छूट कितने अंक मिलेगा, 57.8, ठीक सही है। नेक्स्ट लिखिए अगला, किस समतुल्य के बराबर है, जल्दी करिए। 9% और 17% की दो क्रमिक छूट किस छूट के बराबर है, तो 100 में से क्या कर ले, 91 बटा 100 गुणे 83 बाई 100, 100 से 100 कैंसिल, तो 91 गुणे 83 करिए जल्दी से, 3 1 3 3 गुणा करके जोड़ देना है, 27 और 8, 35 35 का 5 कैरी कितना, 3 75 दशमलव, इतना आया, तो 100 से कितना कम है, 100 से कितना कम, 24.47, ठीक है जल्दी करिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये वही सवाल है, ध्यान से देख लीजिए, दुकानदार और ग्राहक सोचेगा, दुकानदार को क्या मिलेगा, दुकानदार क्या देखता है, क्रय, और ग्राहक क्या देखता है, अंकित, ठीक। तो दुकानदार का क्या दिया है, ये क्या दिया है, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य क्या रुपया दिया है, 650, और क्रय मूल्य पे हमेशा क्या देखते हैं, लाभ या हानि, तो 120 बटा 100, अंकित मूल्य नहीं मालूम, 22% छूट है, तो 88 बटा 100, जल्दी से खत्म करो, तो जरा सही है ना, डाटा चेक कर लेना, काटिए, 00 से 00 कैंसिल, कुछ गड़बड़ लग रहा है हमको, ठीक है 22% का छूट होगा, तो 78% होगा ना, मेरी गलती है, 78%, चलिए जल्दी से, 13 पचे 65, 13 6 78, 6 2 12, 5 2 10, 10 और ये 100 1000 हो जाएगा, बोलिए 10 और 100 1000 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, चलिए नेक्स्ट लिखिए, 1000। नेक्स्ट 44 नंबर करिएगा, 40% अधिक अंकित करता है और 10% की छूट देता है, तो 100 गुणे 140 बटा 100 गुणे 10% छूट, 90 बटा 100, 14 नवा, जल्दी से करिए, 14 नवा 126, क्या परसेंट का प्रॉफिट, 26%। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी, चलिए बहुत करीब हैं हम लोग, चलिए चलिए चलिए, 50% की छूट दे प्रदान करता है, जबकि दूसरी दुकान 30-30% की दो क्रमिक छूट देता है, तो बिल में अंतर इतने रुपए का है, तो कमीज का मूल्य क्या रुपया है, चलिए 100 पे डायरेक्ट छोड़ देंगे, देखिएगा 100 पे आप डायरेक्ट छोड़ दीजिएगा, तो कितना हो जाएगा, 50 बटा 100, तो 100 से 100 कट गया, क्या परसेंट छूटा, क्या परसेंट देना पड़ा, 50, और उसमें कितना आ गया, इसमें कितना आ जाएगा, 100 पे 30-30% का है, 70 बटा 100 गुणे 70 बटा 100 आएगा ना, 7 7 49 49 आया, तो क्या परसेंट, इन दोनों में अंतर है 1%, और 1% बराबर कितना, 43, तो अंकित मूल्य क्या होगा,
सौ का 43, नेक्स्ट लिखिए। चलिए 46 नंबर क्वेश्चन अगला देखते हैं। उसे बेचने पर चार कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो जाता है, लाभ हो जाता है उसे बेचने पर चार कुर्सियों, ठीक है। ये सवाल ध्यान से देखिएगा, 20 कुर्सियों को बेचने पे कितने कुर्सियों के, चार कुर्सियों के विक्रय मूल्य, जब भी चार कुर्सी का विक्रय मूल्य वापस आ गया, 20 बेचे चार का पैसा वापस आ गया, एक्चुअल में बिका कितना 16, 16 पे ही कॉन्सेप्ट लगता है। 20 में से क्या घटा देते हैं, विक्रय मूल्य जब भी, और लाभ, और यही हानि होता तो क्या कर देते, प्लस 4, ठीक। ये कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं क्लास में, ठीक। 18,000 पे किससे भाग दे देंगे 16 से, तो कितना आंसर आ जाएगा 1125। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, ठीक। इसी तरीके से आगे बढ़ते रहिए। एक डीलर 20% अधिक अंकित करता है और छूट देता है, तो 20% अधिक की अंकित किया 120/100, 15% की छूट दिया तो 85/100, 100 से 100 कैंसिल, 6 से 5, 5 से 17, 17 छक्के 102, तो क्या परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, 2% का प्रॉफिट, ठीक। चले अगला लिखा है, माइक देखते रहना पड़ेगा कहीं की बंद हो जाता है कभी कभी, तो वीडियो पूरा बेकार हो जा रहा है। 5% की हानि होती है तो 95%, और लाभ होता है तो 105%, कितना परसेंट ज्यादा, 10%, और 10% बराबर कितना 300, इसका क्या गुना 30 गुना, तो 100 का 30 गुना कितना होगा मेरे भाई 3000। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला, कह रहा है कि एक बेईमान बाजरे को 20 रुपए प्रति किलो के भाव से बेचता है जिसे उसने 16 रुपए के भाव से खरीदा था। तो देखो यहां दो लाभ लेना पड़ेगा, यहां क्या लेना पड़ेगा, दो लाभ लेना पड़ेगा ना। देखो उसने कितने रुपए के भाव से खरीदा था, 16 रुपए के, तो क्या रुपए का फायदा हो रहा है, 4 रुपए का फायदा किस पे, 16 × 100, तो 4 से 4 काट देंगे तो ये कितना आ जाएगा 25% प्रॉफिट। और यहां पे डंडी मार रहा है, 1000 की जगह पे कितना तोल रहा है 800, तो कितना डंडी 200, किस पे 800 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 काट देंगे, 4 से काट देंगे 25, यानी 25% का प्रॉफिट, 100 × 125/100 × 125/100, 100 से 100 कैंसिल, 125 का वर्ग बताए थे 156, 25 होता है पॉइंट लग जाएगा, कितना ज्यादा 56.25। चले नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर, बहुत करीब है हम लोग, घबराइएगा मत, ठीक। खरीदे हैं कितने में, 15,000 में, अंकित मूल्य कितने का छूट पूछ रहा है, तो ये बताओ 1500 रुपया ही ना छोड़ा, 1500 किस पे छोड़ा, 15,000 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, 00 से 00, सिंगल से सिंगल कट गया, क्या परसेंट का छूट, 10% का। चले भाई एक एक सवाल लगाया जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए इस सवाल को देखते हैं, ये बहुत बेहतरीन सवाल था, उस दिन हम लोग इसको सेट कर रहे थे, ठीक है, बहुत बेहतरीन सवाल था, अगर ये सवाल होगा तो करिएगा, उस दिन अभी सेट कर रहे थे, और ये एसएससी बहुत बेहतरीन तरीके से दी है इस सवाल को, ठीक है, बताते रहना कैलकुलेशन, ठीक है। देखिएगा ध्यान से, इस सवाल में बहुत बेहतरीन है, कैलकुलेटिव सवाल ये जानबूझ के दिए हैं, और बहुत सतर्कता पूर्वक चलना है, ठीक। हम मान लिए 3600 रुपए का खरीदे, और कितना सेव, हर सेव 1-1 रुपए का खरीदे, 3600 सेव खरीदे हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे कुल मिलाकर लाभ कितना कमाना है, 3700, तो ये लेके पहले हम क्लियर हो जाए, 127/100, पहले ये क्लियर कर दो तुम लोग, ये हो गया, ठीक। तीन पार्ट में बनाना क्योंकि ये बहुत टिपिकल बनेगा, ठीक। 2700, तो इसका गुणा करो जल्दी से, कितना 4572, यानी हमको कुल 4572 कमाना है, ध्यान से समझिएगा, ठीक, 4572 कमाना है। कह रहा है उसने उनमें से 1/5 सेव 10% हानि पर बेच दिया, 1/5 निकालिए, 3600 का निकालते चलिएगा, 1/5 यानी 720 सेव मैंने 10% हानि पर बेचा, 90/100, 00 से 00 कैंसिल, तो ये 9 × 2 = 18 कैरी, 1 × 9 = 63 = 64, 648 आया, ठीक। अगला कह रहा है अब शेष 1/4 तो इसमें से हम घटा देंगे, तो ये आएगा 2880 का 1/4 कह रहा है घटाना है, तो ये भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा 720, तो 720 सेव हमने हर सेव को 1 रुपया माना है, 5% हानि पर बेचना है, तो 95/100,
जीरो से जीरो काट देंगे, पांच से कटेगा 19 बार में, पांच से कटेगा दो बार में, दो से काटेंगे 36 बार में, तो ये आ जाएगा 684 आएगा। चले ठीक, बहुत सही। अब कह रहा है शेष दो तिहाई, तो इसमें से भी घटा देंगे, तो इसमें से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 2160। 2160 का दो तिहाई लेना है तो दो तिहाई काट दे तो ये आ जाएगा 720। 720 का दो तिहाई यानी 1440। 1440 को क्या परसेंट लाभ ऊपर 15%, तो 115/100। जल्दी करो, जीरो से जीरो काट दिया 15, पांच से काट रहे हैं दो बार में 23 बार में, दो से काट रहे हैं 72 बार में, ठीक। तो इसको गुणा करिए जल्दी से, जल्दी गुणा करिए 1656। अब देखिए सबको, किसको किसको ध्यान से देखिएगा, इसको इसको और इसको जोड़िए, जोड़ेंगे जो बच गया उसको उतने में शेष सेवों को किस कीमत पर बेचना चाहिए, जल्दी घटाइए, इसको इसको जोड़िए। तो हम जोड़ रहे हैं 6 4 29 88, घटाइए जल्दी से इसमें 29 88, तो ये आ गया 4, ठीक। कैरी 8, 84 है किसी में, 64 15 84 आंसर, ठीक है। बहुत बेहतरीन सवाल था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा अगला। आप क्या कह रहा है, टू सक्सेसिव डिस्काउंट, इतना डिफरेंस निकालना है। चल मेरे भाई डिफरेंस निकाल दे, दो पार्ट में निकलेगा। 50,000 का कितना निकाल दे, 50,000 का कितना 40%, तो यानी 60 में बेचेंगे, 60/100, 00 कट गया यानी क्या लाख रुपया 30,000 हो जाएगा। चले कोई दिक्कत, 30,000, और यहाँ दो छूट दे दो, जल्दी से कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेशन एकदम जारी रखो, ठीक है। जितना सिखाए हैं फटाफट कैलकुलेशन होना चाहिए। 36 जाएगा तो, और 4 जाएगा तो कितना बचेगा 96 96/100, 00 से 00 00 से 00 कट गया, 34 5 कितना हो जाएगा 320, 320 गुणे 96 करना है, जीरो कर लो जल्दी करो 30 720, तो इन दोनों में अंतर क्या रुपए का 720 रुपए का। एक एक चीज क्लियर करूंगा ये याद रखना। अगला लिखिएगा, सेम सवाल लिखिए, कह रहा है कौन सी छूट अधिकतम है, विच इज बाई 3, ये क्या है, कौन सी अधिकतम छूट प्रदान करती है। सवाल कुछ गड़बड़ हुआ गया क्या, कौन कौन से हैं जल्दी से ऑप्शन बोलो, ये सवाल कुछ छूट गया क्या है, ये 51 51 नंबर पे होगा ये सवाल, देखिए 51 52 पे, 85 51, पहला 30% की छूट, हाँ 15 15% की दो क्रमिक छूट, दो खरीदे एक मुफ्त पाए, चौथा यही वाला। देखिए चार ऑप्शन छूट गया था, चार ऑप्शन कौन कौन से छूटे थे, 30% का दे दीजिए, 15 15% का दो दे दीजिए, और कितना है दो छूट और एक दो खरीदे, ठीक है, और एक मुफ्त पाए, और अगला है 5 पे 3। ये ए ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, ये बी ऑप्शन है, और ये सी ऑप्शन, और ये डी ऑप्शन। चलिए 30% 100 पे छोड़ देंगे यानी कितने में बेचेंगे 70/100, 00 कट गया यानी क्या रुपया 70, 15 15% का 2% हो जाएगा, 15 2 30, और 15 का वर्ग कितना होगा 225 यानी 32.5 का, तो ये लगभग में हमको मिलेगा 67.25 में, निकाल लो जरा 100 गुणे कितना होगा 85/100 गुणे 85/100 यही होगा ना, बोलो, तो 100 से 100 कैंसिल, 5 का वर्ग 25, 8 8 8 9 72, 72 कर देंगे 72% हो जाएगा, 72% आएगा, और यहाँ पे 1/3 कितना हो जाएगा 3 गुणे क्या 100, तो 33 सही, 1/3 यानी ये पड़ेगा 66 सही, 2/3 का। सबसे ज्यादा छूट निकालना है तो सबसे ज्यादा छूट अभी इसी में चल रहा है, तो 3/8 गुणे क्या करना पड़ेगा 100, काटेंगे 4 से काटिए 25/2, 2 से काट देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8 सही है ना, 75/2 यानी 37.5 का छूट, यही होगा ना,
तो सबसे ज्यादा प्रभावी छूट कितने हैं, 37.5, ऑप्शन चार दिया है, ठीक है, ऑप्शन चार याद रखिए। अगला लिखिए, ऑप्शन यही है ना, 53 ये था, 54 कर रहे हैं हम लोग, 54 करिए जल्दी से, बहुत बेहतरीन सवाल है। एक नोटबुक 12% लाभ पर 28 रुपए में बेची जाती है, चलिए अभी बताए हैं, तो 112 बराबर कितना, 28, इसका कै गुना, कै गुना, चार गुना होगा, हाँ चार गुना, तो ये कह रहा है 26.25 में बेचेंगे, तो ये किसका चार, इसका चार गुना क्या होगा, 2600 हो जाएगा, और 26 छक्के कितना हो जाएगा, 104, और ये 105, 5% आंसर है, देख लीजिए 5% है ना, ठीक 105 आया, देख लीजिएगा इसका चार गुना करने पे। चले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, अगला, एक बेईमान 20 रुपए में खरीदता है और 30 रुपए में बेचता है, ठीक सही है, तो कितने रुपए का लाभ कमाएगा, 10 रुपए का लाभ, यहां किस पे, 20 पे गुड़े 100, तो क्या परसेंट, 10 से 2 कटा, 2 से 50%, 50% आएगा, कितना परसेंट, 50% आया ना, तो 50% यहां से प्रॉफिट पा गया, तो 100 में जोड़ देंगे, 100 में गुड़े 115 बटा, सॉरी 100 में कितना आ जाएगा, 150 बटा 100 गुड़े ये कितना है, 800 रुपए के, एक एक किलो के ग्राम की जगह कितना तोलता है, 800, तो डंडी कितने का मारा, 200 का, 200 का डंडी मारा किस पे, 800 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, तो 125 बटा 100, जल्दी करिएगा, 100 से 100 कैंसिल, 3/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 300, 75/2, यानी ये कितना आ जाएगा, 187.5, तो देखो 100 से कितना ज्यादा है, 87.5%, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सॉल्व कर रहे हैं हम लोग सारा क्वेश्चन, ठीक है, बहुत करीब आ चुके हैं, एक्स परसेंट अधिक अंकित करता है, 12% की छूट देता है, फिर भी चलो देखो यहाँ पे, तो एक्स परसेंट और लाभ प्रतिशत में अंतर कितने का, चले तो देखो 100 है, 100 से कितना बढ़ाकर अंकित किया, 100+x/100, 12% की छूट देता है, तो 88/100, फिर भी क्या होता है, 110 का लाभ, 100 से 100 कैंसिल, 11 से काट दे रहे हैं, 8 बार में 11 से काट दे रहे हैं, 10 बार में 4 से काट दे रहे हैं, 25 बार में 4 से काट दे रहे हैं, 2 बार में 2 से काट दे रहे हैं, 5, तो यानी 100+x/125, तो x बराबर 25, तो कह रहा है छूट प्रतिशत, छूट कितने का हो जाएगा, 25 होगा ना x का मान, और लाभ प्रतिशत कितना है, 12% का, अंतर कितने का, 13%, आगे बात समझ में, चले नेक्स्ट देखिएगा, 57 नंबर, अब यहां पे क्या है, किसका 15% आ रहा है, एक मिनट हो जाए, नहीं सही है, अच्छा सॉरी, लाभ 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 सॉरी 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 लाभ 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 15 आ रहा है, सॉरी सॉरी मेरी गलती है, देखिएगा ये तो रहेगा, लाभ प्रतिशत कितना है, केवल 10%, छूट है ना 12%, तो आंसर कितना परसेंट आ जाएगा, 15%, इसको सही कर लीजिएगा, ठीक है 15% मार दीजिएगा, चले नेक्स्ट लिखिएगा, अगला, इसीलिए बैठाया जाता है कि आप लोग को गलती हो तो वही बता दीजिए, देखिए टोटल इसमें कितने छूट हैं, 3 छूट हैं, ठीक जल्दी करिए, और दुकानदार को सबसे अधिक लाभ किसमें होगा, यानी विक्रय मूल्य कहाँ ज्यादा मिलेगा, ठीक चलो जल्दी से है करो, 50,000 है, 50,000 पे पहला 25 यानी 75/100 गुड़े 85/100, जल्दी से कैंसिल करो, इसका 0000 कट जाएगा, इसका गुणा कर लो, जल्दी गुणा करो, तो 85/5 हो जाएगा 431, 75, इतना रुपया दुकानदार को मिलेगा, सबसे ज्यादा दुकानदार को लाभ पूछा, ग्राहक को किस दुकानदार से लाभ होगा, ग्राहक को होगा यानी छूट मिलना चाहिए, ठीक है चलिए 50,000 पे देख रहे हैं, 50,000 पे ग्राहक को किस दुकानदार से अधिक लाभ होगा, फ्रॉम विच शॉपकीपर डज द कस्टमर गेट प्रॉफिट, तो यहाँ कितना है दूसरा 20% का, तो कितना कर दे, 80/100 गुड़े, जल्दी करिए आप, जल्दी फटाक से करिए, एकदम रुकिए मत, 80/100 00000 कट गया, 8/5 400 और गुड़े 80, तो ये कितना आ जाएगा 32,000,
तो देखो अब तक दुकानदार को सबसे ज्यादा ग्राहक को किससे फायदा हो रहा है, 31-25 वाले से अब तक हो रहा है, ठीक है 30%। जल्दी करिए जल्दी की जल्दी जल्दी, ये कितना हो जाएगा 50,000 है ना, सॉरी मिटाइए फिर से आराम से करिएगा, सॉरी 50,000 पे कितना परसेंट, 30% यानी 70/100 गुणे 90/100, 00000 कट गया 31,500। तो देखो सबसे ज्यादा ग्राहक को कहां कम पैसा देना पड़ रहा है, यहां कितना देना 825, यहां कितना देना 31-25, तो सबसे ज्यादा किस वाले में देना है, तो तीसरे वाले में। आंसर है तीसरा, थर्ड आंसर है, क्लियर एकदम कॉन्सेप्ट है, सबसे ज्यादा ग्राहक को कहां फायदा होगा। चलिए हम बहुत करीब हैं, बहुत करीब है, खत्म होने वाला है हम लोग का जो मैराथन था, बस लगने वाला है, खत्म होने वाला है, ठीक है। चलिए एक बिल पर 40% और 30%, 40% की और 30% की दो क्रमिक छूट का अंतर इतना रुपया है। चलो तो पहले 100 पे 40 छोड़ देते हैं, तो 60 लिखेंगे, 60/100 तो कितना आ जाएगा 60 रुपया, और 30% के दो दे दो, 30% के दो देना तो 70/100 गुणे 70/100, दो क्रमिक छूट, 00000 कट गया, 7×7=49, तो इन दोनों में अंतर क्या रुपए का 11 बराबर क्या रुपया 200, 20 इसका क्या गुना 20, तो 100 का 20 2000, मान ले आंसर 2000, नोट कर लीजिएगा, ठीक। अगला देखिए 59 नंबर, बहुत करीब है भाई हम लोग, बहुत करीब चला, पूरा लंबा चला मैराथन, जितना चला सकते थे हम चलाए, ठीक है। एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 10% और 20%, देखो 10% यानी 90 और 20% की वृद्धि यानी 100, फिर उसमें 20% की वृद्धि होती है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस एंड देन इफ फाइनल प्राइस, ठीक है, कमी की जाती है और फिर 20% की वृद्धि की जाती है, तो कितना रुपया हो जाएगा, जल्दी से करिए, तो वास्तविक क्रय मूल्य, अच्छा नहीं नहीं सॉरी सॉरी, ये वो उस कॉन्सेप्ट पे नहीं होगा, एक मिनट रुक जाइए, क्या है, एक वस्तु के क्रय मूल्य में 10% की अंतिम मूल्य, ठीक है क्रय मूल्य, तो मान लिया एक्स 10% की कमी हुई तो 90/100 और फिर 20% की वृद्धि 120/100 बराबर 540, जरा करो तो जल्दी से करिए, 00000 कैंसिल काट जाएंगे, 4 से काट दे, हाँ 4×1=, 4×3=, 4×5=3 हो जाएगा, 3 से काट दे 45, 9 से काट दे 5 बार में एक्स बराबर 500 रुपया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए, घबराइए मत, हम लोग बहुत करीब हैं, ठीक, ये आम वाला सवाल देखिएगा, ठीक, 120 रुपया प्रति दर्जन से 1600 आम खरीदा, चलिए प्रति दर्जन के हिसाब से 1600 आम खरीदे और अब 900 इसमें इनमें से 900 आम 15 रुपये प्रति दर्जन शेष आम, चलिए टोटल कितना खरीदे हैं ये देखो, 900 खरीदे हैं, सॉरी टोटल कितना खरीदे हैं 1600 में दो पार्ट हुआ है, कितना कितना 900 और शेष आम 1400, प्रति आम मैंने क्या रुपया बेचा, प्रति आम 14 रुपया, तो यहां निकाल लो 1400 अभी चल रहा है और 900 को क्या रुपया बेचे हैं 15 15 9 00, दोनों को जोड़ लिया जाए तो 005, तो नहीं गड़बड़ हो गया, जल्दी जोड़िए, यहां गड़बड़ हो गया, 2 0 उतर गया 8 5 13 का 3 कैरी कितना 1, 13 का 3 कैरी कितना 1 आया 23 300, हाँ। अब देखो यहां दर्जन दे दिया है तो पहले हम इसको 12 से डिवाइड करें, दर्जन में बदले, फिर हर दर्जन क्या रुपया 120 रुपया, तो 0 से सॉरी ये कट जाएगा कई बार में 10, यानी मेरी खरीदारी क्या रुपए की 16000 की, 16000 को इतने हजार में बेचा तो कितना ज्यादा बेचा 7300, यही ना 7300 ज्यादा मिल रहा है ना, 7300 ज्यादा मिल रहा है, किस पे मिल रहा है 1600 पे ज्यादा मिल रहा है, चले ना 1600 पे ज्यादा मिल रहा और गुड़े 16000 पे, परसेंट में चेंज करें 00000 से सिंगल, अब जरा 730 को काट दोगे तो 16 से काटो तो कितना रहा है, 16 से काटेंगे 16×4=64, बचा कितना 6×3=9=16×5=80, 45.625, चले अगला लिखिएगा
बहुत करीब है मेरे भाई, भगवान इसी तरह साथ देते रहे, हम लोग आगे बढ़ते रहेंगे। ठीक है, चलिए इसको देखिएगा। एक माइक्रो ओवन का अंकित मूल्य इतना है और इसे इतने में बेचा जाता है, तो छूट निकालिए भैया, घटाओ जल्दी से, तो सॉरी घटाओ जल्दी से, इसको घटाएंगे तो कई रुपया आ जाएगा, इसको घटाएंगे तो कई रुपया आ जाएगा, जीरो गए 3198 और किस पे देखेंगे ये 15990 गुणे कितना 100, देखो जरा ये क्या कट रहा है, क्या पांच से, पांच से कट रहा होगा, तीन पचे 15, सब पांच से कट रहा होगा, पांच कट गया, हाँ कट रहा है पांच से, इसको काट दिए क्या परसेंट 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन चले अगला लिखिएगा। एक दुकानदार एक माल पर 18% छूट देता है, फिर भी उसे कितने का लाभ होता है? ठीक है, तो देखो 18% छूट दिया यानी 82 बराबर कितना हो जाएगा 130, तो अगर 12% छूट देगा तो कितना पड़ेगा 88, यही होगा ना, तो जल्दी करिए 130 गुड़े 88 इसका गुड़ा होगा और ये कहाँ चला आएगा नीचे, जल्दी करिए, दो से काट देंगे कई बार में 65, सही है ना, और दो से काट देंगे 41, जल्दी काटिए इसको, कितना आ रहा है 139.51 आया, यहाँ पॉइंट लगेगा तो 100 से कितना ज्यादा है ये 39.51। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसको देखिएगा ध्यान से। आर की वजन मशीन 400 भार दिखाती है, वास्तविक में 350 तोलती है, बादाम का क्रय मूल्य 850 रुपया है, ठीक 800 रुपया है, और 200 के पैकेट में खराब मशीन, ये वाला सवाल देखिए जल्दी से करिए, इसको करिए, चलिए इस सवाल को देखिएगा कि इसने खरीदा है कितने में, बहुत बेहतरीन सवाल लगाया गया है, 1000 रुपये में, कितने में खरीदा है 1000 रुपये में, 1000 में खरीदा है 880 ग्राम खरीदा है। अब ये बात समझना, वो दुकानदार को दिखाता है 400 रुपया ग्राहक को, लेकिन एक्चुअल में वो देता कितना है 350, जब 200 ग्राम का खराब पैकेट बनाएगा तो 175 का रेट लगेगा ना, 175 ग्राम पैकेट देगा, तो हमको अगर 175 ग्राम का हिसाब चाहिए तो हम लिखेंगे 880 गुणे 175 बटा कितना 1000, लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, आएगा जीरो से जीरो काट दिए, 25 से काटेंगे 7 बार में, 25 से काटेंगे 4 बार में, 4 से कटेगा 22 बार में, 22 × 7 = 154 आया, ये 154 रुपये में बेचता तो ना लाभ होता ना हानि होती, लेकिन अब उससे क्या चाहिए 25% का प्रॉफिट, तो 125/100 काटेंगे तो 5/4, ठीक, अब 4 से कटेगा है नहीं है, तो 4 से कटेगा नहीं तो हम इसका गुणा कर लेंगे, तो ये कितना आ जाएगा 15/75 = 770 बटा कितना 4 से काटिएगा तो 1900 × 76 2×10.5 तो 192.5, बहुत बेहतरीन सवाल लगाया। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं, हम लोग कितने मिनट तक हो गए हैं, 128 चल रहा, चलिए कोई नहीं 128, ठीक है करिए इसको भी करिए। एक वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 40% अधिक है, यदि इसका विक्रय मूल्य अंकित मूल्य से 73% है, ठीक है, यदि इसका विक्रय मूल्य इसके अंकित मूल्य का 73% है, चले देखिएगा, अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक है, अगर मैं इसको 100 रखा, अंकित देख लो ध्यान से, क्रय को 40 रखा तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये कितना हो जाएगा 140, अंकित होगा कि नहीं होगा, होगा ना, और अंकित का विक्रय मूल्य कितना है 140 का 73, जल्दी करो तो 73/100, 1 0 से 1 0 कट गया, 14 × 42 कैरी, 2 कैरी कितना 4, 14 × 7 = 98, 98 × 4 = 98, 102, तो हमने इसको बेचा कितने में, विक्रय कितने में किया 102.2 में, तो देखो कितने का लाभ होगा 2.6, देखो कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, ठीक है 102.2 है ना, तो 2.2 किसी में होगा, वही आंसर होगा, 2.5 मारिए तब तक, ठीक 2.9 है, तो देखो कहाँ गड़बड़ हो रहा है, 14 × 3 = 14, हाँ 73 सही 1/2 है, तो ठीक है 73 सही 1/2 है, तो
तो 73 सही 1/2 को क्या लिखेंगे, 146, और 147/200, ये गड़बड़ हो जाएगा। अब सही करिए, ठीक है, तो 10 से 10 कैंसिल, 2 से ये 10 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा, 100 ये दे, हम फिर से मिटा रहे हैं, थोड़ा सा गड़बड़ी हुआ है सवाल में, रुक जाइए एक मिनट, बस थोड़ा सा, यही थोड़ी थोड़ी सी गड़बड़ी, देखिएगा ध्यान से, कह रहा है सवाल यहाँ पे ये जो सही है इसको सही कर लीजिएगा, 73 सही 1/2% यही है ना, तो देखो अगर ये तब गड़बड़ हो जाएगा ना मेरा, ये भी गड़बड़ हो जाएगा। चलिए चलिए अब देखिए 140 का कितना कह रहा है, 140 का कितना 73 यानी 146 147/200 हो जाएगा, 0 से 0 कट गया, 7 आएगा 10 आएगा, 7 से गुणा कर लीजिएगा, 7 सते 49, कैरी कितना 4, 14 सते 98 98 और 4 102 आया, तो ये बताओ पॉइंट लग जाएगा ना वहां पे, तो कितना ज्यादा 2.9, तो थोड़ा थोड़ा सा कहीं गड़बड़ी है, इसको सही कर लीजिएगा, 73 सही 1/2% है, ठीक, ये कभी कभी हमसे मिस टाइपिंग हो जाती है लिखते समय, तो इसको देख लीजिएगा ध्यान से। ये सवाल है, सीता ने एक व्हाइट बोर्ड मार्कर सेट 10% लाभ पर बेचा और उसे 20 रुपए अधिक बेचने में 15% का लाभ होता। देखो सीता 110 में बेचा, 115 में बेचती, तो क्या रुपया 5% का लाभ, और 5% बराबर कितना रुपया 20 रुपया, इसका क्या गुना 4 गुना, तो ये 100 का 4 गुना कितना हो जाएगा 400। चलिए नेक्स्ट, बहुत करीब है भाई, भगवान से दुआ करो ऐसे ही चलता रहे हम लोग भी, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, राम ने एक सेलफोन खरीदा, उसका मूल कीमत 30% कम भुगतान किया, उसने इसे अपने द्वारा भुगतान की गई मूल पर 50% लाभ पर बेच दिया, तो राम का मूल कीमत पर अर्जित लाभ कितना है, ठीक ठीक है। चलिए, मूल कीमत से 30% कम भुगतान किया, तो 100 है, 100 का 30% कम भुगतान किया, तो 30% कम भुगतान करेगा तो कितना करेगा 70, मूल भुगतान यही है ना, मूल को याद रखना, का 30 किया, अब कह रहा है इसने अपने भुगतान द्वारा की गई मूल पर 50% लाभ कमाया, तो ये बताओ यही भुगतान किया था ना, इस पर 50% लाभ कमाएगा तो कितना कमाएगा 100 15 सते 105, 5 कमाया, तो कह रहा है राम द्वारा मूल कीमत पर अर्जित लाभ क्या परसेंट होगा, 5% है कि नहीं है, आंसर चेक कर लेना, आंसर चेक करते रहिएगा, 5%। अगला लिखिएगा, इसको करिए, 10% की 3 क्रमिक छूट पर उपलब्ध है, ठीक है, तो देखो 55,000 है, 55,000 का 3 क्रमिक छूट 90/ बाबू कैलकुलेशन जल्दी करिए फटाक से, 90/100 × 90/100, 60 है, तो 60 इससे पूरा कट गया, तो अब हमको किसका गुणा करना है, 729 × 55, यही करना है, जल्दी करिए, तो डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, 9 9 1 आ रहा है, तो जिसका भी 9 यही आंसर होगा, 40 0 95, डिजिटल सम, ये जोड़ने पे 1 आ जा रहा है और ये 1 हो जा रहा है ना, 9 9 18 18 का क्या लिखेंगे 1, तो आंसर क्या आ जाएगा, डिजिटल सम 0 आना चाहिए, इसका डिजिटल सम 0 हो जाएगा, 1 × 0 तो 9 9 0 हो जा रहा है, ठीक है, तो यही हो जाएगा, गुणा कर लीजिएगा। अगला लिखिए, बहुत करीब है भाई, बहुत करीब, चलिए अब करिए, एक रेडियो का अंकित मूल 25% प्रारंभिक छूट के बाद एक दुकानदार बट्टाकृत मूल्य पर 12% अतिरिक्त छूट देता है, एक रेडियो का विक्रय मूल्य इतना है तो अंकित मूल्य कितना था। चलिए एक्स ले लें, 25% की छूट 75/100, फिर बट्टाकृत कितने पे, लेवल प्राइस एंड इसे 12% एडिशनल डिस्काउंट दे देता है, तो 12% डिस्काउंट देगा कितना हो जाएगा 88/100, जल्दी करिएगा जरा, 792 आ रहा है, करिए, तो ये इससे काट देंगे क्या बार में, 11 बार में कट जाएगा, 9 बार में कट रहा है, 3 से 4 और 3 से 3, तो इसका रेट क्या रुपया हो जाएगा 1200 रुपया, ठीक है। चले नेक्स्ट लिखिएगा, आंसर चेक करते रहिएगा, ठीक, यही अप्रोच एग्जाम में रहे। अगला लिखिएगा, एक पेंटिंग 98 बेची गई और 1300 रुपए में बेचने में हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, ये सवाल बहुत बेहतरीन है, समझिएगा, 1498 में बेची गई और 1300 में बेची गई, बीच में कहीं क्रय होगा, बीच में क्या होगा, कहीं
क्रय होगा। कह रहा है बेचने पे हुई हानि से 25% अधिक लाभ होता है, ठीक है, 25% मोर देन द लॉस अकर्ड। तो ये बताओ अगर हानि 100 की हुई होगी तो लाभ कितना हुआ होगा? 25, तो काट देंगे 5 संबंधे 4, 5 4 5 4 9, 9 बराबर, इनके बीच में अंतर देखो जल्दी से, जल्दी देखो, 198 198, तो इसका क्या गुना, 22 गुना होगा, सॉरी हाँ 9 दुना 18 22 गुना हो गया। चले तो 22 चौके 88, 22 चौके कितना हो जाएगा, यहां पे देखो बस यहां 22 चौके क्या कर दिया जाएगा, 22 का गुणा हानि हुआ है ना, तो 88 की हानि हुई है, यानी हमने कितने में खरीदा, 1388 में। बात समझ आ गया, बहुत बेहतरीन सवाल था, ये बात समझ लेना, लेकिन हमको इतना आंसर नहीं आएगा, आंसर इतना नहीं आएगा, सतर्क रहना। हमको क्या कह रहा है, 1388 पर क्या परसेंट का लाभ होना चाहिए, 25% का, तो 125/100 काट दे मेरे भाई, 5/4 5/4 आ रहा है, काटिए, 4 तिहाई 12 4 चौके 16, 4 7 7 5 35 का 5 कैरी कितना, 5 के 17 35 है किसी में, बहुत बेहतरीन सवाल था, 13 28 दे के देखो जानबूझ के दिया था कि आप मारिए गलत हो, ठीक है, 25% लाभ पे जाएगा। चले 70 नंबर, सही है ना, अगला देखो 70 नंबर सवाल देखिएगा, क्या करना है इसमें, कह रहा है एक लैपटॉप 20% छूट पर इतने में बेची जाती है, तो लैपटॉप का सूची मूल्य, चलिए भाई 80% बराबर कितना, 5400 बेची गई ना, तो हमको अंकित मूल्य चाहिए, तो 100% निकाल लोगे, तो क्या करेंगे, जल्दी करो जल्दी फटाक फटाक कैलकुलेशन, जो सिखाए हैं आज काम आना चाहिए, 80 जीरो से जीरो कैंसिल, 2 से काट दे रहे हैं 5 बार में, 2 से काट दे रहे हैं 4 बार में, 4 से काट रहे हैं 13500 होगा, बोलो 00, 5 5 25 कैरी 2, 15 2 17 कैरी 1, 5 6 6, चले आया है आंसर, है ना, आंसर चेक करते चलिएगा, बहुत करीब है हम लोग अब आंसर के, ठीक। इस सवाल को देखिएगा, एक बेईमान व्यापारी किसी वस्तु को 15% हानि पर बेचता है, यदि 25 ग्राम की जगह पे 20 ग्राम का उपयोग करता है, तो ये बताइए डंडे कितने का मारा, 5 का, किस पे मारा, 20 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100 काट देंगे, 5 5 5 25, 100 25% हानि बेच रहा है, 25/15% हानि पर, और फिर 25% यहां से प्रॉफिट, ये देखो डंडी मार रहा है, डंडी वाला कॉन्सेप्ट किए हैं, 25 ग्राम की जगह 20 ग्राम तोलता है, यानी कितना हो गया, 125/100, जल्दी करिए 100 से 100 कैंसिल, जल्दी खत्म करो, ये 5/ क्या कर ले 4, आसान करने के लिए, तो ये कितना हो जाएगा, 425/4, यानी 25/4, यानी 6.25% का प्रॉफिट, आंसर है, चेक कर लीजिएगा अगला, ठीक। आंसर 72 नंबर देखिएगा, ये लास्ट क्वेश्चन होगा मेरे ख्याल से, इस स्लाइड का लास्ट ही क्वेश्चन है ये मेरे ख्याल से, देखिए ऑप्शन सारा गड़बड़ हो गया क्या, हाँ बोल दो, एक मिनट रुक जाइए, ये सारा ऑप्शन गलत है, तो 16 सही 2/3, हाँ 1/3, 18 सही 2/3, 18 सही 1/3, चलिए अब क्या कह रहा है, 24 संतरों का क्रय मूल, देखिए 28 संतरों का क्रय मूल यानी सीपी किसके बराबर है, 24 संतरों के एसपी के बराबर, तो हम लिख सकते हैं सीपी अपॉन एसपी इज इक्वल टू 24/28, काट दे, नहीं नहीं ये नीचे आएगा ना, ये नीचे आता है और वो वहीं रहेगा, एसपी हो गया, तो ये कितना आ जाएगा, 6/7 होगा, 6/7 यानी खरीदे कै रुपए में, 6 रुपए में, बेचेंगे कै रुपए में, 1 रुपए का फायदा किस पे, 6 पे, परसेंट में चेंज करने के लिए 100, काटेंगे तो 50/3, तो 16 सही 2/3%, ये आंसर है 16 सही 2/3 है कि नहीं है, ठीक। तो आप ऐसे ही बातों को आप लोग याद रखिएगा, और आप लोग से अनुरोध है, ठीक है, ये हमारे चैनल का लोगो है मनीष मैथ्स, इसको एकदम दिलों में बैठा लीजिएगा, और आपसे अनुरोध है जितना से ज्यादा जितना शेयर कर सकते हैं शेयर करिए,
सब्सक्राइब करिए, ठीक, और जितना ज्यादा हो सकता है उतनी मदद करिए, हम आपके साथ हैं और अंत तक बने रहेंगे। देखो हम भी पसीने से लथपथ हो चुके हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी लगे हुए हैं तुम्हारे लिए। और एक एक चीज याद रखिएगा, जो जितना तपता है, सूरज जितना गर्म होता है, ठीक है, जैसे कहा जाता है ना, लोहा जितना गर्म होगा तो उसको आकार देना आसान है। तो ये चीज याद रखिएगा कि ये 2 घंटा 1 घंटा 40 मिनट का वीडियो जो भी है, ये दमदार वीडियो बनी है और एक एक सवाल सीजीएल प्री का कवर किया गया है। तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा जितना हो सकता है लोगों को इस बारे में बताइए। आज के लिए बेस्ट ऑफ लक, कल मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ।